ओके सो गाइस, आज अपन देखने वाले हैं कि कैसे हमारा ये सबवे सर्फर का जो जेक है ये नॉर्मल छोटे मोटे काम करता था, पर उसके बाद ये कैसे बना इतना बड़ा चोर, और गाइस उसके बाद इसने कैसे काटे अपनी जिंदगी के 99 इयर्स, और फिर ये सबवे सर्फर का जेक कैसे बना। चलो फिर अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे जेक अपना जो स्प्रे का काम रहता है ना ट्रेन वेयर पे, वो स्प्रे मारता रहता है एज यूजुअल। मतलब उसे काफी बार वार्निंग मिल चुकी होती है, फिर भी वो ऐसा करता रहता है। और गाइस तभी वहाँ पे वो इंस्पेक्टर आ जाते हैं अपने डॉगी के साथ, और फिर क्या होता है, मतलब उन्हें लगता नहीं है कि आज जेक आया होगा, मतलब उसे काफी वार्निंग दे चुके होते हैं, उसके बावजूद उन्हें दिखता है कि जेक आया हुआ है। और फिर गाइस इंस्पेक्टर को देख के भाई साहब जेक अपना सबवे सर्फ स्टार्ट करता है, लेकिन गाइस तब तक ट्रेन आ जाती है और फिर वो ट्रेन पे बैठ के निकल जाता है। और इधर वो जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो मतलब उसे देखते रह जाते हैं, और जेक तो वही करता है जो वो करता है, अपने ट्रेन पे इधर से उधर कूदता रहता है। और फिर गाइस ये तो इसका रोज का काम रहता है, ठीक है, तो ये आराम से ट्रेन में आके आराम करता है। और फिर क्या गाइस ये बढ़िया आराम से ट्रेन में लेट लेट के एक शहर से दूसरे शहर आराम से ट्रेवल करता रहता है। लेकिन गाइस उसे ये नहीं पता था कि अपना जो इंस्पेक्टर है ना भाई, वो इसके पीछे हाथ धो के पड़ा है, और वो फुल रफ्तार से आ रहा है। मतलब गाइस वो इंस्पेक्टर इस बार बहुत ज्यादा ट्रिगर हो चुका है, और वो जेक को इस बार नहीं छोड़ रहा भाई, तो देखते हैं क्या होता है। और गाइस फाइनली ये ट्रेन तक पहुंच जाता है, और जैसे जैसे करके इसे जेक एक्चुअली में मिल जाता है वो देखो, लेकिन जेक को कोई भी खबर नहीं रहती कि इसके पीछे एक्चुअली अपने इंस्पेक्टर अभी तक पीछे पड़े हुए। और गाइस ये देखो जेक अपना आराम से ट्रेन के ऊपर चढ़ा हुआ है, मतलब उसे लग रहा है कि सब कुछ चिल है। अब देखते हैं क्या ये इंस्पेक्टर लाइक, मतलब लिटरली इंस्पेक्टर इस ट्रेन को रुकवा के क्या ये जेक तक जा सकते है। एक मिनट व्हाट भाई क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर। ओके कुछ तो कर रहे हैं। ओ भाई गाइस जेक को पता ही नहीं है ये यहाँ पे छुपे हुए। गाइस लगता है मौका देख के उसे अरेस्ट कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। गाइस मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो जेक का इधर ध्यान भी नहीं है भाई। ओ भाई जेक गिर के भाग रहा है। ओ भाई व्हाट गाइस जेक करेक्ट टाइम पे भागना स्टार्ट किया है। ओ भाई साहब गाइस तो ये लिटरली सीधा सबवे सर्फर जैसे हो रहा है ये देखो। मतलब यहाँ पे वो जेक भाग रहा है और अपने पुलिस वाले उसे चेस कर रहे हैं, देखते हैं क्या एक्चुअली में ये पुलिस वाले उसे पकड़ पाएंगे। ओ भाई काफी क्लोज है। लेट्स सी क्या होता है। ओ भाई गया। गाइस वैसे देखा जाए तो ये काफी दूर आ गया, और लगता है वो पुलिस वाले थक गए। मतलब भाई होता है ना, मतलब जेक तो अभी छोटा है, पुलिस वाले बड़े, हो सकता है वो थक गया, लेकिन वो फिर भी इसका पीछा नहीं छोड़ रहे, और वो आ रहे हैं। लेकिन गाइस अब तो लगता है नामुमकिन है जेक को पकड़ना। मास्टर अब आगे क्या होगा। भाई आगे सब इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है ट्रेन, और गाइस जेक एक बार ट्रेन देखता है और वो आराम से बैठ जाता है। और भाई साहब पुलिस वाले वो देखो वो ट्रेन से टकरा के यहाँ पे ऐसे गिरे हुए पड़े भाई ये देखो। और गाइस फिर काफी ज्यादा नॉर्मल दिन के जैसे इसका एक और दिन निकल जाता है। मतलब भाई जेक के लिए तो ये सब काफी ज्यादा नॉर्मल है, ये देखो मतलब ये ट्रेन के ऊपर से निकल रहा है भाई, आप देख रहे हो, मतलब लिटरली सबवे सर्फर वाला सीन चल रहा है इधर। गाइस फिर ऐसा ही करते करते काफी दिन और काफी रातें बीतती गई, मतलब ऐसे इसने अपने काफी जिंदगी के साल काट दिए, ठीक है। फिर क्या होता है ना, इसे लगता है कि गाइस अब बहुत ज्यादा हो चुका है ऐसे जीते, तो ये सोचता है कुछ चेंजेस करते, लेकिन गाइस उस चेंज के लिए इसे काफी कठिन चीजों से गुजरना पड़ेगा। तो गाइस सबसे पहले तो ये जो चोर पुलिस वाला खेल था ना, इससे भाई ये बोर हो चुका था, तो ये सोचता है कि अब ऐसा सब ये नहीं करेगा। और गाइस वो इंस्पेक्टर से भी काफी दुश्मनी हो गई थी भाई, पता नहीं वो इंस्पेक्टर इसे कभी भी निपटा दे। मास्टर बात तो आपकी ठीक लग रही है। तो गाइस अब ये क्या करता है ना, अब ये सोचता है कि एक नॉर्मल लाइफ जिएगा, अपने कपड़े वपड़े बदल के आराम से नॉर्मली जिएगा। तो गाइस फिर इसको ना एक फ्रूट की शॉप दिखती है, और गाइस से काफी भूख लगती है, बट इसके पास वही पैसे नहीं थे, तो गाइस ये जाता है इसे पूछता है, लेकिन गाइस ये इसे भगा देता है। मतलब ऑब्वियसली यार बिना पैसे के कोई फ्रूट्स कैसे दे सकता है, तो फिर ये सोचता है कि इसे कुछ ना कुछ करके तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे। मतलब गाइस आप समझ रहे हो ना, पहले तो थोड़ी मोटी चोरी या फिर कुछ भी चीजों से इसका ऐसे आराम से ऐसे खर्चा वर्चा निकल जाता था, फिर गाइस इसने सोचा कि कुछ ना कुछ करके तो कैसे ना कैसे करके तो इसे कुछ ना कुछ करके कमाने ही पड़ेंगे। तो फिर गाइस चलते चलते इसने एक पोस्टर देखा जो कि शायद किसी चैलेंज वैलेंज का पोस्टर था, और उस चैलेंज पे ये लिखा था कि अगर वो चैलेंज जितने भी बंदे कर लेते हैं ना, वो मतलब रातों रात अमीर हो सकते हैं भाई, जीतने के बाद उनको $1,000,000 मिल सकते हैं। गाइस तो इसने सोचा भाई थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके मेहनत करके जाता हूँ, प्रॉपर चैलेंज वैलेंज जीत के आऊंगा जैसा भी चैलेंज हो। तो गाइस फिर इसने अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट किया, आप देख रहे हो मतलब पुशअप मार रहा है भाई बीच रोड पे। और फिर गाइस कुछ टाइम की ट्रेनिंग के बाद ये सोचा कि अब शायद ये तैयार है, तो फिर ये जाता है चैलेंज के लिए। तो गाइस फिर जेक पहुंचता है यहाँ पे चैलेंज के लिए, लेकिन आपको लग रहा होगा कि एक नॉर्मल सा चैलेंज होगा भाई क्या ही होगा, लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं ये कोई नॉर्मल सा चैलेंज नहीं है भाई, एक्चुअली में ये काफी खतरनाक सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये इनसे बात करता है, और फिर ये बोलता
है जो भी गाड़ी लेना है ले लो, तुम कर तो पाओगे नहीं, ऐसा वैसा मतलब बहुत कुछ देते है ना इसे। फिर ये सोच समझ के ये वाली गाड़ी उठाता है, मतलब पता नहीं भाई इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी थी बट इसने ये उठाई। और गाइस ये करता क्या है ना मैं आपको दिखाता हूँ। भाई बंदा बड़ा चालाक रहता है, जाने से पहले सबकी गाड़ी उड़ा देता है। गाइस ये देखो अब जितने भी बंदे आएंगे उन्हें पहले तो गाड़ी वाड़ी ठीक करानी पड़ेगी, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा है ना। तो गाइस फिर यहाँ से जाता है और गाइस ये जो चैलेंज स्टार्ट होता है ना भाई कि एक ना एक दिन आएगा। ओके गाइस तो यहाँ से इसे कहाँ जाना है काफी कंफ्यूजिंग है। तो गाइस मोर देन अ चैलेंज ये कैसा है ना, मतलब आपको एक्चुअली सही सही रास्ते भी ढूंढना है। तो गाइस अभी ये कंफ्यूज है बाइक ले या कार, आपको क्या लगता है गाइस बाइक ज्यादा अच्छी है या कार, आपको जो भी लगता है वो कमेंट में बता दो। बाकी इसने कार उठाई है मतलब इसकी चॉइस ठीक ठाक है। और गाइस अगर आपको भी ये पसंद आ रहा है तो एक काम करो फटाक से एक लाइक ठोक दो और गाइस सब्सक्राइब भी कर देना। वही तो गाइस मैंने देखा आप में से काफी सारे लोगों ने नहीं किया, भाई वीडियो देख रहे एक बार सब्सक्राइब तो मार दो यार, मतलब सब्सक्राइब करने में एक सेकंड बस लगता है गाइस, एक सब्सक्राइब तो बनता है। अभी फिलहाल मैं ये देखना चाहता हूँ गाइस कि एक्चुअली में जेक जो ये चैलेंज कर रहा है ठीक है इसमें क्या मतलब एक्चुअली में एंड में से पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, और अगर मिल रहे तो ये क्या कर रहा है गाइस। क्योंकि देखो एक बार बंदे को पैसे से मिल गए ना उसके बाद मुझे नहीं लगता कि वापस चोरी चकारी या फिर कुछ भी ऐसे उल्टी सीधे काम करेगा। लेकिन गाइस काफी सारे इसके दुश्मन है वो सारे आ सकते हैं और इसके काफी सारे दोस्त भी है। देखते हैं अपने दोस्त के पास जाता है नहीं जाता है क्या होता है, मतलब अपने को भी तो देखना है ना। हाँ, मास्टर अगर आपको देखना है तो 2 मिनट वेट करो। हो भाई गाइस ये तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे एक से कार मिलते जा रही है और गाइस ये बार बार कार चेंज कर रहा है। अरे भाई तो कार चेंज करने का मौका है तो क्यों ना करे। हाँ मतलब बात तो तेरी भी ठीक है लेकिन गाइस स्टिल भाई क्या हाइट है। ओ भाई एक सेकंड के लिए लगता है ये भी डर गया है। ओ भाई अलग हाइट है गाइस अलग हाइट है। ओके 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 ये जंप कर रहा है, लेट्स सी क्या होता है। 3 2 1 लेट्स गो। ओ भाई गाइस लेट्स सी कहां पे जंप करता है भाई। ओके 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 ओ भाई ओके 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 ओ भाई साहब गाइस ये मैंने जितना सोचा था ना उसे काफी अच्छे तरीके से चैलेंज कर रहा है। हां मास्टर आप सोचते भी हो क्या। हां तो भाई तेरे जैसे नहीं होते ना सब, मैंने बताया ना जो नॉर्मल बंदे होते हैं ना भाई उन पे दिमाग होते हैं और सर पे होते हैं घुटने पे नहीं। अरे ठीक है भाई ऐसे बार बार मुझे बता के छोटा फील कराने का जरूरत नहीं है। जरूरत तो नहीं है पर मैं अपनी खुशी के लिए भी करता हूँ ना कुछ कुछ। और मेरी खुशी का क्या मास्टर, तेरी खुशी का तू जान। अरे ये तो बहुत ही बुरी बात है भाई। हाँ बात तो बुरी है लेकिन भाई ये वापस आ गया पूरे चैलेंज करके, अब देखते हैं क्या होता है। ओ भाई गाइस तो इसे काफी सारे पैसे जीतने का मौका मिल गया फाइनली। अब ये इसे बोल रहा है कि तुम ये कार भी लेके जा सकते हो। भाई ये क्या ही बंदा है गाइस, कितना अमीर है ये। ठीक है मतलब गाइस अब ये पैसे और कार दोनों लेके जाएगा, पहले तो पैसे लोड करते हैं। तो गाइस अभी तो ये पैसे वगैरह लोड कर लिया अपनी कार में और ये निकल रहा है यहाँ से। अब देखते हैं ये कैसे रहता है, मतलब आप समझ रहे हो ना गाइस अब क्या सीन होगा क्या नहीं होगा देखते हैं। लेकिन गाइस अगर आप देखो तो ये इंस्पेक्टर भी अपनी पूरी फौज के साथ तैयार है। तो गाइस ये लोग यहाँ पे प्रॉपर मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, प्लानिंग वैनिंग बना रहे हैं कि कैसे उसे पकड़ेंगे, क्योंकि गाइस आप देखो ये भी एक इंस्पेक्टर है और इसकी नाक पे दम करके रखा था जेक ने और इसे बहुत बुरा चकमा दे के जेक भाग गया है। मतलब ये जेक को पकड़ने के इतने क्लोज था लेकिन गाइस जेक इसे बहुत बुरा चकमा देकर भाग गया और ये काफी गुस्से में लग रहा है। गाइस लेट्स सी क्या होता है। और गाइस ये सब चलता रहता है और फिर काफी साल बाद और फिर गाइस जेक यहाँ पे रहने लगा, मतलब काफी बड़े मैंशन पे नए कपड़े वपड़े भी ले लिया है भाई, मतलब प्रॉपरली जेक का न्यू एवटार आ गया इधर। और गाइस इधर जेक के पास कुछ कार वगैरह भी रहती है और काफी बड़ा एक मैंशन भी रहता है, मतलब अब सब कुछ काफी बढ़िया था, अब सेट रहता है सब कुछ है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं, सब मस्त है। तो गाइस उस दिन बढ़िया जेक सोचता है मतलब रेड कलर का कपड़ा पहना है तो रेड कलर की मैचिंग कार के साथ बहुत मस्त आराम से बाहर घूमने जाता है। और गाइस जो सोचता है आज तो बढ़िया लॉन्ग राइड्स पे जाऊंगा, मतलब समझ रहे हो ना दिन रात बढ़िया घूम के आऊंगा। लेकिन गाइस जैसे वो वहां से निकलता है एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। गाइस जैसे तो वो इंस्पेक्टर को इस जगह के बारे में पता चल जाता है और पता नहीं कैसे वो इसके घर तक पहुंच जाता है, जबकि जेक इस घर को काफी दूर मतलब एकदम आउटर एरिया में बनाया था जाके ताकि किसी को पता ना चले। लेकिन गाइस इंस्पेक्टर को पता चल जाता है
और कंफर्म करने के लिए अपनी कार अंदर ही घुसा देता है भाई, उसके घर के अंदर मैंशन में घुसा देता है, पागल आदमी है ये। और फिर गाइस वो उतर के अपनी पूरी बैकअप बुला लेता है, मतलब सारे के सारे बंदों को बुला लेता है, मतलब किसी को भी नहीं छोड़ता है, जितने पुलिस वाले सबको बुलाता है ना। और फिर गाइस वहाँ पे ऑफिशियली सारे पुलिस वाले आ जाते और ये लोग एक रेड मार देते हैं घर पे। मतलब गाइस रेड मारते तो मतलब क्या होता है ना सीन की सब जगह छानबीन होती है और कुछ भी इलीगल या कुछ भी ऐसी चीजें निकलती है जो नॉर्मल घर पे नहीं होने चाहिए, तो जो भी ओनर होता है वो अरेस्ट हो जाता है। तो गाइस अब ये लोग रेड मार रहे हैं और हर जगह चेकिंग होने वाली है। और गाइस मैं तो सोच रहा हूँ कि कुछ ना निकले वरना प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो गार्ड है ना, मतलब जो इंस्पेक्टर है ऑलरेडी उससे बहुत ज्यादा खुन्नस है, तो अगर कुछ मिल जाता है तो गाइस ये जेक को छोड़ देने वाला भाई। लेकिन गाइस मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ नहीं मिलेगा, ये लॉर्ड के बुद्धू घर को। गाइस जेक बुरा फंसा, मतलब लगता है ये जो जीते हुए पैसे थे वो पूरे ही पड़े हुए, नहीं पूरे तो नहीं पड़े बट ऑलमोस्ट पड़े हैं। यहाँ पे ज्वेलरी वॉचेस सब कुछ रखा हुआ है, पेंटिंग्स महंगे महंगे डिजाइन, और गाइस यहाँ पे इतना सारा सोना डायमंड। लगता है गाइस इस वाले इंस्पेक्टर का तो प्रमोशन पक्का है, लेकिन जेक का डिमोशन पक्का है गाइस। और फिर गाइस जेक को ही पता चलता है कि शायद उसे घर पे कोई आया है, मतलब उसे कॉल आया था, लेकिन वो कंफर्म नहीं रहता है कि कौन है। तो ये काफी तेजी से गाइस जाता है मतलब वापस के घर पे कि एक्चुअली में क्या हुआ है पता करने, और गाइस इसे एक्चुअली में नहीं पता रहता है कि कौन आया है क्या हुआ है। ये पहुंचता है देखते हैं कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं है, क्योंकि गाइस पुलिस ने तो अपनी गाड़ी अंदर पार्क करी थी, लेकिन उसके बावजूद ये काफी ज्यादा केयरफुली अंदर जाता है। और गाइस इसे पता है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है इसके घर में, और ये थोड़ा सा गेट खोलता है और इसे दिखाई देता है कि अंदर कौन है। ये देखता है पूरे पुलिस वाले खड़े हैं, ये समझ जाता है कि पक्का ये इंस्पेक्टर का ही काम होगा। तो गाइस ये अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़ के चुपचाप यहाँ से भागता है, और गाइस ये सोचता है कि अब इसे इतना बड़ा घर पूरा छोड़ के भागना पड़ेगा, जबकि इसने चोरी करके भी पैसे नहीं जीते थे। इंस्पेक्टर को लगता है कि इसने चोरी करके पैसे जीते थे, और गाइस ये उसे अरेस्ट करने वाला है। अब ये कैसे समझाए कि इसने चोरी नहीं करा था, और गाइस वो इंस्पेक्टर ऑलरेडी इससे गुस्सा है, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि वो इसकी बातें मानेगा, लेकिन ये यहाँ से भागता रहता है। लेकिन गाइस गेस व्हाट, ये इंस्पेक्टर इसे पकड़ ही लेता है गाइस फाइनली। तो गाइस ये रही ट्रिकी की स्टोरी, थोड़ी सी अलग है, मतलब ये बाकी दोस्तों के से एक चोर नहीं रहती है, ये एक गाड़ी की मैकेनिक रहती है, और गाइस इसका रोज का काम रहता है कार्स को इधर से उधर ट्रांसफर करना या फिर उनमें कोई भी दिक्कत आए तो उसको ठीक करना, और कभी कभी तो जो चोरी की गाड़ी होती है ना कोई पर लेकर आता ना इसके पास, तो गाइस ये उसका रंग बदल के पूरा नंबर प्लेट बदल के उसे सेफ करती है। मतलब बेसिकली ये चोरी नहीं करती है बट चोरों की मदद जरूर करती है, इसलिए जेक और स्पाइक से काफी ज्यादा मिलती जुलती है। और जिस हिसाब से ये गाड़ी चला रही है देख के लग रहा है कि ये बेकार मैकेनिक है। आ, मास्टर आप तो बहुत जल्दी जज कर लिए। अरे भाई थोड़ा समय दो भैया। अच्छा ठीक है गाइस, ओके ये क्या कर रही है। अच्छा ओ भाई ओके ये लोड कर रही है अभी अपनी गाड़ियों को। गाइस लगता है इसे गाड़ी वाड़ी इधर उधर पहुंचाना रहता होगा, लेकिन अपने को उससे कोई मतलब नहीं, अपने को भी ये देखना है कि ट्रिकी एक्चुअली में करती क्या है। गाइस तो एक दिन क्या होता है ना, स्पाइक और अपने जो ये जेक है ना, ये लोग एक गाड़ी चुरा के भागते रहते हैं, और गाइस ये लोग काफी देर से एक हाइडिंग का स्पॉट ढूंढते रहते हैं बट इन्हें हाइडिंग स्पॉट मिलता नहीं है, तो फिर इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। और गाइस वहीं पे जहां पे इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है, मतलब इनकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है, बार बार नाइट्रो निकलता रहता है, तो गाइस जहां इनकी गाड़ी क्रैश होती है वो कोई और नहीं जगह रहती है, वो जगह रहती है ट्रिकी की। तो गाइस यहां पे ट्रिकी मैकेनिक रहती है, तो ट्रिकी जिस कार को ठीक करी थी इन्होंने उसी को ठोक दी लाके। और फिर क्या हुआ गाइस, ट्रिकी को आता है गुस्सा, मतलब वो इतनी देर से जो गाड़ी ठीक कर रही थी उसी को आके इसने ठोक दिया। तो गाइस ट्रिकी थोड़े से गुस्से में रहती है पर वो कुछ करती नहीं है, लोग से मतलब इन लोग से पूछती है कि ऐसा क्या हो गया कि ठोक दिए। फिर जेक बताते हैं कि इन लोग को मतलब ये गाड़ी थोड़ी सी चेंज करवानी है, ताकि ये जैसे दिख रही है वैसी ना दिखे, और हो सके तो इस गाड़ी का पूरा हुलिया बदल। तो ट्रिकी को बोलती है बस 5 मिनट लगेंगे। तो गाइस फिर ये दोनों ट्रिकी के पास अपनी कार छोड़ देते हैं, और फिर लोग आराम से इसे रेस्ट करके कॉफी वॉफी पीते हैं, मतलब लोग काफी लॉन्ग ड्राइव से आए थे। और फिर यहाँ पे ट्रिकी सारी कार्स को ठीक करती है, और गाइस ट्रिकी कार का कलर चेंज कर देती है, लेकिन जब तक कार अंदर है तब तक कुछ समझ नहीं आता, और जेक लोग भी यही सोचते हैं कि एक्चुअली ट्रिकी ने करा क्या है कार के साथ। लेकिन गाइस एज सून एज गाड़ी बाहर आती है तब देखने मिलता है भाई ट्रिकी ने जो काम किया है, मतलब ओ भाई साहब बहुत ही खतरनाक, गाड़ी एक्चुअली में समझ नहीं आ रही है पहले जैसे। और फिर क्या गाइस ये जेक लोग की गाड़ी इन लोग को सौंप देती है, और फिर ये बोलती है पेमेंट के लिए। गाइस जेक इतना खुश हो जाता है भाई, उसे इतना इंप्रेस रहता है कि वो इतने सारे पैसे को दे देता है ना, कि भाई ट्रिकी अब अपने मैकेनिक का जॉब छोड़ सकती है, मतलब अब इतने पैसे तो वो क्यों मैकेनिक का जॉब करेगी। तो पैसे उठाती है और वहां से निकलती है, और गाइस जो वो गाड़ी बना रही थी ना उसी गाड़ी को उठा के वो वहां से निकल लेती है, मतलब लिटरली वो गाड़ी को चोरी करके वहां से भाग जाती है। और क्योंकि गाइस उसके पास पैसे भी है तो उसको कोई टेंशन नहीं है पुलिस की या फिर उसके मैकेनिक जो बॉस थे उनकी। और फिर क्या गाइस जेक और स्पाइक को छोड़ के वो वहां से चले जाती है, लेकिन
सीन कैसा होता है ना कि फिर जेक और स्पाइक ऐसे बात करते रहते हैं। फिर जेक मतलब बातों बातों में स्पाइक से ऐसे ही पूछता है कि भाई अपने को देखो टीम की तो जरूरत है ही, और ये जो ट्रिकी है ये काफी मतलब बढ़िया काम वाम करती है, तो क्यों ना इसे भी अपनी टीम पे ले ले। तो स्पाइक भी बोलता है हाँ मतलब इसको टीम पे तो लिया जा सकता है। तो गाइस पर इन लोगों को पता नहीं था कि आज वाली ट्रिकी कहाँ गई है, तो इन्होंने फिर उसको खोजने की कोशिश तो बड़ी की, बट इन्हें ट्रिकी मिली नहीं। तो फिर इन्होंने सोचा कि चलो छोड़ो, किसी और को अपनी टीम में रख लेंगे, और ये लोग वहां से निकल जाते हैं। और फिर क्या गाइस, ट्रिकी जो कार चुरा रहती है वो उसे मॉडिफाइड कर लेती है ताकि किसी को समझ ना आए, और फिर किसी एकदम सेफ जगह पे रख देती है। और कार को छुपाने के लिए उसने क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। उसने वहां पे कंस्ट्रक्शन के बॉक्सेस वगैरह रख दिए, अब किसी को शक भी नहीं होगा कि ट्रिकी एक्चुअली में कार छुपाई है यहाँ पे। और फिर क्या गाइस, अब ट्रिकी के पास इतने पैसे तो उसने सोचा कि अब वो जहाँ पे भी रहती है उस जगह को छोड़ के कोई अच्छी बड़ी जगह चले जाए, और गाइस अच्छी बड़ी जगह से मतलब है कोई नई जगह पे जाके घर ले ले और फिर वहां पे रहे। लेकिन गाइस अभी तक तो सब बढ़िया चल रहा था, चीजें बिगड़ना स्टार्ट होती है यहाँ से गाइस, क्योंकि क्या होता है ना, जेक और स्पाइक जाते रहते हैं लेकिन तभी उनका ब्रेक फेल हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक सा एक एक्सीडेंट होता है। लेकिन सीन ये रहता है कि पूरी गाड़ी पलट जाती है और इन दोनों को कुछ नहीं होता है, क्योंकि गाइस ये लोग अच्छे से मतलब सीट बेल्ट वगैरह बांध के बैठे तो ये लोग बच जाते हैं। लेकिन गाइस गाड़ी का बुरा हाल हो जाता है, मतलब भाई देखो नई नई गाड़ी थी पूरी निपट जाती है। तो लोग सोचते हैं कि इससे पहले कि पुलिस एम्बुलेंस ये सब आए ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं, और ये लोग भाग भी रहे होते हैं। जेक तो आराम से यहाँ से निकल भी जाता है और गाइस वो सीधा पानी में जाता है और वहां से वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन गाइस जब तक स्पाइक भागते रहता है वहां पे इंस्पेक्टर पहुंच जाता है भाई, और स्पाइक को सीधा बत्ती देता है, और ज्यादा कुछ नहीं वो सीधा सीधा स्पाइक गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि गाइस स्पाइक ने भी काफी सारी चोरी करी थी। और गाइस देख देखते हैं पूरी पुलिस की गाड़ी आ जाती है, पूरा पुलिस बैकअप आ जाता है, और गाइस ये लोग स्पाइक को सीधा जेल पे लेके चले जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ से ट्रिकी कैसे फंसी, तो गाइस जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था ना ये लोग ने उस कार को पूरा सीधा करवाया, हर चीज चेक किया, और गाइस चेक करने से पता चला कि जो मैकेनिक था जहाँ पे ये सब हुआ है वो जगह आसपास में ही है। तो फिर क्या गाइस, ये इंस्पेक्टर अंकल उस मैकेनिक वाली शॉप में पहुंच गए और जो वहाँ का बॉस है ना लीडर उससे जाके सीधा बात करते हैं। और गाइस जब उन्होंने पूछा तो इन्हें पता चला कि जिसने वो किया था ना जो है ट्रिकी वो अभी अभी तो यही थी, लेकिन आज या कल में ही वो अपनी इस जॉब को छोड़ के जा चुकी है। तो फिर गाइस इन्होंने काफी सोचा कि आखिर वो जा कहां सकती है, मतलब कहां पहुंच सकती है ट्रिकी, क्योंकि गाइस इंस्पेक्टर को लग रहा था कि ट्रिकी भी जेक लोग से मिली हुई है। तो इंस्पेक्टर ने सोचा कि क्यों ना ट्रिकी को पकड़ लेते हैं, अगर एक बार ट्रिकी पकड़ा गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओके इंस्पेक्टर आप ठीक तो हो ना, तो फिर क्या होगा ना ट्रिकी से ये जेक तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन गाइस फिर सीन ये हो गया कि इसे ट्रिकी नहीं मिलती है। लेकिन गाइस तब तक जो अपना जेक था वो काफी दूर आ चुका था, और जेक को अच्छे से पता था कि ट्रिकी कहां रहती है, क्योंकि उस समय तो ये लोग ने ट्रिकी को नहीं खोज पाया था। लेकिन गाइस उसके थोड़े समय बाद ट्रिकी ने इन लोग को खुद से मैसेज किया था अपना लोकेशन के लिए, ताकि एक बार ये लोग मीटअप कर ले और फिर क्या है आगे के प्लान्स वो सब बता के ये लोग उससे मिल ले। तो गाइस इसने ट्रिकी से, तो गाइस इसको जहां पे भी मैसेज आया था ट्रिकी जहां मिलेगी ये वहां पे पहुंच जाता है, और फिर ये देखता है कि भाई ट्रिकी एक्चुअली में कहां है। तो गाइस वो रहती है ट्रिकी, आपको अभी दिखेगी, रुको वो देखो उस घर के ऊपर वहां पे ट्रिकी खड़े रहती है। तो जेक सोचता है चलो ठीक है ट्रिकी से मिलने जाते हैं, और फिर लोग की बात होती है, जेक ट्रिकी को बताता है कि स्पाइक एक्चुअली में अरेस्ट हो चुका है, और अगर जेक जाएगा तो पुलिस वाले सारे जेक को जानते हैं, तो वो लोग उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, बस एक ट्रिकी है जिसे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है, क्योंकि इंस्पेक्टर तुम्हें खोज तो रहा है लेकिन वो अभी भी इसका फेस नहीं जानता है। तो गाइस ऐसा सीन है कि ट्रिकी को कोई भी नहीं जानता, तो अगर ट्रिकी चाहे तो वो बचा सकती है। तो जेक ने ज्यादा कुछ नहीं बस इसे एक रिक्वेस्ट करी कि अगर तुम उसे बचा लेती हो तो हम तुमको अपनी टीम पे रख लेंगे, और फिर जितने पैसे मैंने तुम्हें दिए उससे कई गुना ज्यादा हम लोग साथ में कमाएंगे। तो गाइस ट्रिकी भी ये सुन के काफी खुश हो जाती है, तो ये सोचती है थोड़ा बहुत, पर फिर बोलती है कि ठीक है मतलब किसी की जान भी बचानी है प्लस क्या फायदा भी हो रहा है। तो गाइस ये स्पाइक को रेस्क्यू करने के लिए हाँ बोल देती है, तो अब ये जाती है स्पाइक को रेस्क्यू करने के लिए अपनी वही छुपाई हुई कार को लेकर। तो फिर क्या गाइस ये जाती है अपने कार पे बैठती है और निकलती है यहाँ से सीधा, और इसको यहाँ पे से सीधा जाना था वहां पे जहाँ पे स्पाइक को रखा गया, और स्पाइक को बचाना इतना आसान नहीं है। तो गाइस फिर पहुंचते यहाँ पे, और इस रैम के एंड पे इसे बताया गया कि इसे शायद है ना स्पाइक मिल सकता है, और अगर मिल जाते इसे बचा के ले जाएगी। लेकिन गाइस ऐसा भी हो सकता है कि इसके एंड पे से स्पाइक नहीं मिले, और गाइस अगर इसे स्पाइक नहीं मिलेगा तो इश्यू हो जाएगा। गाइस ये चैलेंज थोड़ा सा हार्ड है, और मुझे लग नहीं रहा है कि जिस टाइप से अपन इसको स्टार्टिंग में देखे थे कि ये जैसे गाड़ी चलाती है वैसे गाड़ी चलाने से हो पाएगा। ओके 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 हो रहा है। हाँ मास्टर आप तो इसे पहले ही जज कर लिए हो। अरे ऐसा नहीं है भाई, मतलब देख मैं तो चाहता हूँ कि स्पाइक बच जाए लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे इंस्पेक्टर भी मिलेंगे, और गाइस इंस्पेक्टर मिले या ना मिले उससे पहले इसे ये खतरनाक सा चैलेंज पार करना पड़ेगा जो कि दिखने में काफी वियर्ड है। एक मिनट ये कहाँ आ गई, ओ
गई। गाइस एक तो ये चैलेंज भी काफी ज्यादा क्रेजी है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो ये ट्रिकी काफी अच्छा कर रही है और इसने अपनी गाड़ी को काफी ज्यादा मॉडिफाई भी करवाया, इसलिए लगता है मेरे को इसके इजीली हो पा रहा है, क्योंकि गाइस अपने जेक की ड्राइविंग देख रखी है और जेक की ड्राइविंग में आपको बता दूं उतनी खास नहीं है ट्रिकी के कंपैरिजन पे, लेकिन अगर फिर भी देखा जाए मास्टर ये तो आपसे भी बढ़िया गाड़ी चला रही है। भाई यार ऐसा मत बोल, मेरे से बढ़िया तो मत बोल। अच्छा ठीक है, आपसे बहुत बढ़िया चला रही है। अरे यार चौप यार, तू गलत आदमी है यार एकदम। मैं गलत हूँ? और नहीं तो क्या, तू नहीं तो मैं गलत हूँ? आप तो हो ही भाई क्रेजी है, देखते हैं कि हो पाएगा क्या। ओके गई गाइस, मेरे को लग नहीं रहा कि ट्रिकी स्पाइक को बचा सकती है। हो सकता है कि अपना जो जेक था उसका डिसीजन रॉन्ग हो, उसे ट्रिकी को भेजना ही नहीं था। गाइस देखो, अगर एट द एंड ट्रिकी भी इंस्पेक्टर से गिरफ्तार हो जाती है तो फिर जेक अकेला पड़ जाएगा सबसे पहली बात, और दूसरी बात हो सकता है ट्रिकी और स्पाइक मिलके जेक के काफी सारे सीक्रेट्स ना बता दे। गाइस अभी फिलहाल ट्रिकी को देख के तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद ये जो सीक्रेट्स है ये ट्रिकी बता देगी और स्पाइक को नहीं बचा पाएंगे, ऐसा देखकर लग रहा है। बट लेट्स सी। ओके ये ऊपर जा रही है। ओ भाई ओके काफी स्पीड से ऊपर जा रही है ये। सही लग रहा है। ओ भाई ओके गोल रानी। बहुत सारा पानी। अरे भाई कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन ठीक है। अरे क्या चल रहा है? ओके ठीक है। ओके ओ भाई गाइस ये कैसा सा चैलेंज है, लेकिन फिर भी ट्रिकी ऊपर। एक मिनट, ये फ्रंट फ्लिप बैक फ्लिप क्यों मार रही है? क्या मन है इसीलिए? हाँ भाई बहुत बढ़िया। ओके देखते कहाँ लैंड होती है कार। ओ भाई ओके ये रिस्की था, लेकिन हो गया ना एट द एंड। अब गाइस ये एंड पे पहुंचने वाली है, ज्यादा दूर नहीं है एंडिंग। अगर वहां पे इसे मिल जाता है स्पाइक सही सलामत तब तो सब ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो भाई क्रेजी हो जाएगा सीन, क्योंकि लेट गो भाई इतना खतरनाक जंप। ठीक है नहीं गाइस ये ना 10 से 15 बारी गिर चुकी है। वो तो हमें भी पता है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि 15 से 20 बार गिर के उठी भी तो है। भाई 15 से 20 बार गिर के उठने को उठना नहीं बोलता है गाइस। अब मेरे को इससे कोई उम्मीद नहीं है, मेरे को लग नहीं रहा कि एक्चुअली स्पाइक को बचा पाएगी। वैसे तो ये एंडिंग के काफी क्लोज है, लेट्स सी क्या होता है। और एक मिनट शायद स्पाइक। ओके गाइस हो सकता है स्पाइक वहां पर हो जहां पे इसे ऊपर से जाना है, और अगर वहां पे इंस्पेक्टर भी निकलते हैं ना तब तो इसकी चटनी बनेगी चटनी। अरे नहीं देख, इंस्पेक्टर को पता नहीं है कि ट्रिकी एक्चुअली में कैसी दिखती है और कौन है क्या है, तो अगर इंस्पेक्टर के बाजू से ट्रिकी निकलती भी है शायद उसको पहचान पाएंगे, इसलिए मतलब ट्रिकी के पास ये एडवांटेज है। लेकिन गाइस देखते हैं कि अगर एक्चुअली में ट्रिकी जाती है इंस्पेक्टर के सामने तो क्या होता है, इंस्पेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, पकड़ता है नहीं पकड़ता, और स्पाइक बचता है। ओ भाई ओके लगता है नीचे पे होगा। लेट्स गो ओके ओ भाई, अरे भाई ये तो मिक्सी जैसा है, मिक्सर ग्राइंडर पे जैसे पीसते ना वैसी पिसा रहा है ये। ओके ठीक है। ओ भाई वो रहा स्पाइक और इंस्पेक्टर, लेकिन ये गिर गई। व्हाट गाइस अभी ना क्या सीन है मैं आपको समझाता हूँ। जो स्पाइक है ना वो ऑलरेडी इस शहर में काफी फेमस है, और फेमस क्यों है क्योंकि गाइस ये ऑलरेडी बहुत सारी चोरी कर चुका है, तो गाइस ये काफी फेमस चोर है और ये बहुत ज्यादा मोस्ट वांटेड है, मतलब काफी जगह इसके पोस्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी क्या हुआ है ना, यहाँ पे एक ब्रांड न्यू रेसिंग कार आई है, वो देखो आप देख सकते हो, और यहाँ पे काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी है। लेकिन स्पाइक को भी ये काम सौंपा गया है कि क्या ये इस रेसिंग कार को चुरा पाता है या नहीं, क्योंकि अगर इस रेसिंग कार को चुरा के इसकी जो एक्चुअली अपने डीलर होते हैं ना उसके पास तक ले जाता है तो गाइस इसे बहुत तगड़ी प्रमोशन मिल जाएगी, और अगर नहीं ले जा पाता है चुरा के तब तो गाइस ये ऑलरेडी जेल तो जा ही रहा है। लेकिन लेट्स सी क्या ये एक्चुअली में उस कार को चुरा पाता है या नहीं, मतलब गाइस देख के तो ये प्रोफेशनल चोर रग रहा है। ओके तो ये पत्थर और पानी वानी के बीच पे छुप गया, लेकिन गाइस वहाँ पे इतने सारे गार्ड्स हैं और उस कार को यहाँ से इतनी हाइट से चुरा के लेकर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। बट लेट्स सी अगर ये चुरा पाता है या नहीं। लेकिन गाइस सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है, मान लो ये चुरा लिया लेकिन उसके बाद इतनी हाइट से वो नीचे कैसे लेके जाएगा। ओ भाई वेट ये क्या फेंक रहा है भाई साहब। ओके सब भाग रहे, लगता है यही मौका है। ओ इसने गैस फेंक किया, लेकिन गाइस ओ भाई लेट्स गो। एक मिनट गई, लगता है कार पलटने वाली है, नहीं पलटी। ओके वेट व्हाट भाई, इस बंदे ने लिटरली इतनी हाइट से रेसिंग कार कुदा दी है। अरे हाँ ये चोर अच्छा है पर ड्राइवर अच्छा नहीं है। मास्टर आपने कभी चोरी की गाड़ी भगाई है? भगाई भाई मैं क्यों करूंगा, ये सब तू जरूर कर सकता है।
मैंने नहीं किया है लेकिन मैंने इसे एक्सपीरियंस करा है। अरे भाई क्या बंदा है। और गाइस स्पाइक को पता रहता है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है तो वो काफी तेज भगाता है, कोने काने से कहीं से भी निकालता है गाड़ी को। लेकिन गाइस सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब एक्चुअली में जिसके लिए उसे गाड़ी चुराई रहती है वो उसे मिलता ही नहीं है, लेकिन लकीली एट द एंड उसे वो मिल जाता है। और गाइस फिर वो जाके गाड़ी उन्हें दे देता है और वहां से वो गाड़ी उन्हें सही सलामत देने के बाद पूरे के पूरे पैसे के बैग सूट केस वगैरह उठाता है और गाइस सूट केस वगैरह लेके वो वहां से निकलते बनता है। अब मतलब बाइक को उसके पैसे मिल गए और जिसको गाड़ी चाहिए थी उसको गाड़ी मिल गई, मतलब इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए किसी को। और उसके बाद गाइस सीन क्या होता है ना, स्पाइक को लगता है कि अब सब कुछ बढ़िया है, मतलब पुलिस ने पकड़ा भी नहीं उसे, सब कुछ बहुत सही चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एक इंस्पेक्टर रहता है जो कि गाइस इसकी सारी की सारी हरकतों पे अच्छे से नजर रखता है। मतलब गाइस इस इंस्पेक्टर के नजर पे ये स्पाइक आ चुका होता है और ये मतलब स्पाइक को एक्चुअली में अच्छे से फॉलो करता रहता है कि स्पाइक क्या क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है। मतलब एक मौका मिले और ये उसे तुरंत पकड़े। और क्योंकि गाइस स्पाइक का कोई एक्चुअली कहीं पे घर नहीं होता तो स्पाइक कहीं भी रहता है, पर मोस्टली गाइस मोस्टली वो ट्रेन स्टेशन या फिर ट्रेन के डब्बों के आसपास रहता है। मतलब गाइस ये रही वो जगह जहाँ पे काफी सारे ट्रेन के डब्बे पड़े रहते हैं, क्योंकि गाइस एट द एंड यहाँ पे इसे सोना बहुत ही इजी लगता है और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रहती भाई। लेकिन बस वही है कि यहाँ पे कभी भी ट्रेन आ जाती है। लेकिन गाइस आपको तो पता है इन लोग को ट्रेन से कोई दिक्कत कहाँ होती है, मतलब ट्रेन पे ये लोग आराम से भाई मस्ती करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। लेकिन गाइस क्योंकि सबसे बड़ी बात ये एक्चुअली में एक चोर है, ठीक है, और इसकी जो मतलब जो इमेज बनी हुई है ना वो ऐसी है कि ये काफी फेमस और काफी नामचीन बहुत बड़ा चोर है। तो गाइस ज्यादातर बंदों या इंस्पेक्टर को ये लगता है कि ये एक्चुअली में ट्रेन से सामान चोरी करता है या फिर ट्रेन से कुछ चुराता है। लेकिन गाइस एक्चुअली में से सिर्फ और सिर्फ ट्रेन के ऊपर कूदना या ट्रेन पे भागना ये सब पसंद है, तो सिर्फ ये यही करता है। लेकिन गाइस इंस्पेक्टर को ये लगता है कि ट्रेन से भी सामान चोरी करने आया है। तो गाइस इंस्पेक्टर ने अपने काफी सारे फोर्सेस और सबको लगा देता है इसके पीछे कि ये ट्रेन से कुछ चुरा रहा है और उसे पकड़ के लाओ। तो गाइस धीरे धीरे करके इंस्पेक्टर और सारे के सारे गार्ड्स आते हैं गार्ड में और भाई ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज जाता है। लेकिन ये देखो भाई वो सारे के सारे इंस्पेक्टर वहां पे टकरा के वो जाते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन अपना स्पाइक को पता रहता है तो ये भागता रहता है। और गाइस इसके पीछे वो सारे पुलिस इंस्पेक्टर गार्ड्स ये सारे लग जाते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में काफी फास्ट रहता है तो सबको इजीली चकमा देकर भाग जाता है। लेकिन गाइस वो पुलिस वाले भी मतलब ऐसे हार नहीं मान रहे थे भाई, वो आ ही रहे थे। ये भी थक जाता है, वो भी थक जाते हैं, लेकिन लिटरली ये हार नहीं मानता है तो ये चलता रहता है, इधर उधर कूद फांद के निकल ही जाता है। और फिर गाइस क्या ये यहाँ से जगह बदलता है और भाई इजीली क्योंकि इतना फुर्तीला रहता है और ये कहीं भी चढ़ जाता है और बहुत ज्यादा फास्ट चोर है। तो गाइस ऐसे पुलिस वालों को ये इजीली यहाँ से चकमा देके भाग जाता है। लेकिन गाइस सबसे बेहतरीन जो चीज होती है जो एक्चुअली में इसकी जिंदगी बदल देती है वो ये रहती है कि जब ये ऐसे मतलब पुलिस वालों को इतने इजीली चकमा उकमा देके खड़ा होता है ना, मतलब गाइस ये क्या करता था ना, जब पुलिस वालों को चकमा देता था तो इनके आसपास खड़ा हो जाता था और फिर उनपे हंसता रहता था। तो गाइस ये सारी चीज एक दिन जेक ने नोटिस कर ली और जेक को लगा कि शायद ये बंदे में एक्चुअली दम है और इसमें मतलब जेक को अपनी जैसी बात लगती है। तो जेक ने सोचा क्यों ना इसके साथ भी मतलब काम किया जाए, इसको भी अपने सबवे सर्फर की टीम पे लिया जाए। लेकिन ये श्योर नहीं था कि एक्चुअली में ये जो बंदा है स्पाइक ये काम का है या नहीं, तो काफी दिन से जेक इसको फॉलो अप कर रहा था और फिर सोचा कि चलो आज फाइनली पूछ के देखता हूँ कि क्या सीन है। गाइस जब जेक इससे बात करने आया ना तो इसे लगा कि ये कोई मतलब पुलिस का बंदा है, ऐसा कुछ है, तो गाइस ये उसे लड़ने लग गया, उसे मारने लग गया। लेकिन गाइस फिर जब जेक ने इसे अच्छे से समझाया कि भाई एक्चुअली में ये भी तेरे जैसा ही है, मतलब ये भी ट्रेन के ऊपर से इजिली कूद जाता है और मतलब इजिली चोरी हो रही है, लोग भागते हैं, तो गाइस ये बात को समझा और फिर जेक ने इसे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछा और वो अपॉर्चुनिटी और कुछ नहीं थी गाइस, वो थी सबवे सर्फर की टीम को ज्वाइन करने की। तो स्पाइक ने बोला वो सोच के बताएगा और सबसे पहली बात तो स्पाइक थोड़ा सा डर गया था क्योंकि अचानक से कोई बंदा ऐसे आ जाएगा तो कोई डर जाएगा, तो ये बोला था कि ये जेक को सोच के कुछ दिनों में इसी जगह पे आके बताएगा। और गाइस फिर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि अब गाइस इसको थोड़ा सा सोचना था, थोड़ा सा खालीपन चाहिए था क्योंकि इसके लिए काफी बड़ा डिसीजन था, तो यहाँ से बढ़िया जाते रहता है। लेकिन वो जो इंस्पेक्टर रहता है वो अभी भी इसका हाथ धो के पीछे पड़े रहता है गाइस, मतलब वो छोड़ता नहीं है भाई स्पाइक का पीछा। और गाइस स्पाइक अपने बढ़िया धुन में खोया रहता है, जैसे चोरी वोरी करता था वही सब करके मतलब लिटरली आराम से वो बस ज्यादा रहता है। बट गाइस वो अपने सोच में इतना खोया रहता है कि वो रेड लाइट देखता है, ग्रीन लाइट दे वो भी देखता है, रुक गया रहता है ना रेड लाइट देख के, और जबकि वो चोरी की गाड़ी है तो उसे भागना चाहिए, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। तो गाइस तभी वो इंस्पेक्टर इसे पकड़ लेता है और गाइस फाइनली वो अरेस्ट हो जाता है। लेकिन गाइस अभी स्पाइक और इसके पीछे फाइट होती है, लेकिन आपको तो पता है अब स्पाइक का साइज देखो और इंस्पेक्टर का साइज देखो, तो फिर क्या गाइस ये अपने को बचाने की कोशिश तो बहुत करता है। लेकिन जब स्पाइक को समझ आता है कि इंस्पेक्टर गन वन निकाल ले तो स्पाइक भागने की काफी कोशिश करता है। लेकिन गाइस अब ये तो इंस्पेक्टर है, इसने काफी ज्यादा अटेम्प्ट किया शूट करने का, लेकिन गाइस स्पाइक भी अपना स्पाइक है ना भाई, सबवे सर्वर पे दौड़ता है बंदा। लेकिन गाइस वहां पे गन नहीं रहती, यहाँ पे गन है, तो गाइस मतलब स्पाइक अपनी जान बचा के भागता रहता है। और फिर क्या गाइस अगले दिन जेक यहाँ पे आके देखता है जहाँ पे उसको स्पाइक नहीं देखता है, और फिर ऐसे ही काफी
दिन और काफी रात बीत जाती है और मतलब अपना जो जेक था वो स्पाइक का वेट करते रह जाता है कि कभी ना कभी स्पाइक आएगा या नहीं आएगा। मतलब ऐसा क्या सीन हुआ कि स्पाइक इसे कुछ भी बताने नहीं आया। तो फिर इसने सोचा कि शायद स्पाइक को इसका जो ऑफर है वो पसंद नहीं आया। तो फिर इसने सोचा कि ठीक है, अब अपनी सबवे सर्फर की टीम में स्पाइक नहीं आएगा। और फिर ये वहां से सोच के चला जाता है गाइस। अब आपको तो पता है लोग तो ट्रेन से ही ट्रैवल करते हैं, मतलब भाई जब भी ट्रैवलिंग कर रहा है बढ़िया ट्रेन पे जाते हैं पकड़ते हैं। और फिर क्या गाइस, लोग इधर से उधर भागते हैं। लेकिन इस बार क्या हुआ ना, यहाँ पे काफी सारे गुंडे आ गए जो कि एक्चुअली में जो सबवे सर्फर वाला जो जेक है ना भाई, उसको एक्चुअली में निपटाने लगे। और गाइस क्योंकि ये ट्रेन पे था ये बच जाता है और फिर इसको समझ में आता है कि एक्चुअली में अभी स्पाइक जो है वो अरेस्ट हो चुका है, क्योंकि वो जो गुंडे थे वो गुंडे नहीं थे गाइस, वो थे पुलिस के आदमी लोग। और गाइस सीन कैसा है ना, मे बी स्पाइक ने इन्फॉर्मेशन दी होगी कि कहां मिलना चाहता है, क्या मिलना चाहता है, कैसे मिलना चाहता है। और गाइस फिर ये पुलिस के सारे आदमी जेक को खोजने आ गए थे, लेकिन जेक भी अपना शाड़ है गाइस, वो काफी ज्यादा ट्रेन पे आगे जाके भगता रहता है। और जैसे ही सही समय आता है वो ट्रेन से ऑफ ले लेता है, मतलब वो कहीं जंगल और झाड़ी में जाके छुप जाता है ताकि उसे कोई ढूंढ ना पाए। और फिर क्या गाइस, वो एक प्लान बनाता है कि उसने स्पाइक को कैसे छुड़ाना है, स्पाइक के साथ क्या क्या करना है, और अगर स्पाइक ने एक्चुअली धोखा दिया है तो उसको क्या सजा देना है, या फिर धोखा नहीं दिया तो मतलब कैसे रहना है। तो प्रॉपर प्लान बनाता है, उसके बाद वो सोचता है कि चलो स्पाइक को बचाते हैं। लेकिन गाइस फिर ये जाता है स्पाइक को बचाए, लेकिन लकीली स्पाइक वहां से भागता रहता है। तो गाइस ये पुलिस को छुड़ा के भागता रहता है ना स्पाइक, और स्पाइक इसी की गाड़ी से ठोका जाता है। लेकिन ये ठीक रहता है कि स्पाइक आके बैठ जाता है, जो कि थोड़ा सा वियर्ड रहता है, मतलब ये भाई एक्चुअली में स्पाइक को बचाया जा रहा था और स्पाइक आके इसी के साथ बैठ जाता है। तो फिर ये लोग वहां से निकलते हैं और फिर गाइस स्पाइक जेक को ये बताता है कि भाई अगर जेक अभी नहीं आ रहा था ना तो पुलिस वाले इसे पकड़ ले रहते और भाई बहुत मारे रहते, क्योंकि ये भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन लकीली जेक ने उसे बचा लिया। अब कैसा सीन होता है ना गाइस, जेक बोलता है कि अब वो एक्चुअली में इसको एक अपॉर्चुनिटी देगा, किस चीज की, सबवे सर्फर को ज्वाइन करने की। तो ये पहले बोला कि तुम मुझे एक्चुअली में ट्रेन वेन में कूद कूद के दिखाओ, मतलब एक बार सबवे सर्फर खेल के दिखाओ तुम कैसे खेलते हो, अगर अच्छा खेलोगे तो भाई अपनी टीम में रख लेंगे और अगर नहीं खेलोगे तो आप फिर वापस जेल में डाल देंगे, क्योंकि गाइस अब जेक के भी कोई काम नहीं आएगा ना स्पाइक अगर कोई काम का नहीं होगा तो। फिर गाइस ये लोग जाते हैं सबवे सर्फर खेलने और देखते हैं कि अपना जो स्पाइक है वो अच्छा खेल पाता है या नहीं, वो एक्चुअली में जेक को इम्प्रेस कर पाता है नहीं। तो फिर क्या गाइस, ये अपना फोन वो निकालता है और फिर स्पाइक को देता है खेलने के लिए। तो गाइस अपन आ जाते हैं सबवे सर्फर में, चेकआउट करते हैं कि अपना जो स्पाइक है वो एक्चुअली में कैसा खेलता है, मतलब क्या वो एक्चुअली में सबवे सर्फर के जेक वाले जो टीम है उस पे जा पाता है या नहीं, क्योंकि इसकी टीम में अभी बाकी के कैरेक्टर्स भी बचे हैं, तो ये इसकी टीम का पहला मेंबर होगा स्पाइक। और गाइस देखते हैं बाकी कैरेक्टर जो कि थे ट्रिकी और वो रेडियो वाले बंदे और कुछ कुछ और भी हैं, वो सब लोग एक्चुअली में जेक को कैसे ज्वाइन किया। अगर आप भी जाना चाहते तो मेरे को कमेंट में बता देना भाई, क्योंकि गाइस उस पे भी अपन वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल देखते हैं कि स्पाइक कैसे खेलता है, मतलब अभी तो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में तो सभी अच्छा खेलते हैं। लेकिन हाँ गाइस सीन कैसा है कि स्पाइक पहली बार खेल रहा है, और अगर स्पाइक जेक से भी अच्छा खेल गया ना भाई तो मैं बता रहा हूँ जेक अपनी जगह स्पाइक को ही रख लेगा भाई। लेकिन गाइस जेक भी अपना काफी प्रो है ना सबवे सर्फर पे, पर अगर गाइस अगर ये उतना अच्छा नहीं भी खेलता है, पर अगर जेक को लगता है कि नहीं बंदे पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है थोड़ी बहुत मेहनत करके या फिर थोड़ा बहुत सिखा सुखी के, तो गाइस शायद वो स्पाइक को अपनी टीम पे रख ले। लेकिन अगर उसको लगेगा कि भाई नहीं हो ही नहीं सकता है बंदे से कुछ भी, तो गाइस फिर स्पाइक को रखने का कोई खास मतलब होगा नहीं भाई। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। और गाइस अपने को पता नहीं है भाई कि जेक एक्चुअली में क्या ढूंढ रहा है, क्या वो जेक एकदम बेकार प्लेयर ढूंढ रहा है ताकि उसको सिखा दे, या फिर एकदम अच्छा प्लेयर ढूंढ रहा है ताकि वो खुद ही सीख ले। मास्टर मुझे तो लगता है ये गया। ओ भाई गाइस ये तो 53 में ही आउट हो गया, इससे अच्छा तो अपन खेल लेते हैं। लेकिन स्टिल क्या हुआ ना, यहाँ पे जेक खुश रहता है क्योंकि गाइस ये स्पाइक का पहली बार था और एक्चुअली में स्पाइक ने इसे ये बोला है कि अगर तुम मुझे अच्छे से सिखाओगे तो मैं सीख जाऊंगा और मैं सीख के बढ़िया खेल सकता हूँ। तो गाइस जेक काफी खुश रहता है और ये सोचता है कि क्या मैं इसे टीम में लू या नहीं लू। लेकिन काफी ज्यादा सोचने के बाद ये उसे अपनी टीम पे रख ही लेता है। और गाइस क्योंकि इन दोनों को पता है कि इनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, तो ये लोग सोचते हैं कि यहाँ से अपने कोई सीक्रेट अड्डे पे चलते हैं। तो इन लोग फिर अपना अड्डा उड्डा बनाने की सोचते हैं। और गाइस फिर ये दोनों बैठ के एक मीटिंग में एक बात करते हैं और वो बात ये रहती है कि अभी ने बाकी के जितने भी इनके कैरेक्टर्स है ना टीम मेंबर्स, वो सारे के सारे पूरे करना है। तो गाइस ट्रिकी हो गया, फिर जितने भी बचे खुचे लोग हैं उन सबको पूरा करने वाले देखते हैं कैसे करते हैं। अपन घुसने वाले इंस्पेक्टर फ्रॉम सबवे सर्फर के सर के अंदर। अरे मास्टर आप ठीक तो हो ना? ठीक नहीं मैं बढ़िया हूँ, समझ रहा है ना? लगता है आज कुछ तो हुआ है या होने वाला है। आज कुछ होने वाला है और वो ये है कि ये जो आलोक है ना ये हारने वाला है और कुछ नहीं। अरे यार इस बच्चे का अधूरा सपना कभी पूरा नहीं होगा गाइस, ये मुझे हराने का ख्वाब देखता है। इसे बोलो सबवे सर्फर में क्या, ये मुझे किसी भी फरफर में नहीं हरा पाएगा यार। गाइस आलोक का ईगो ना स्काई रॉकेट हो गया है, मतलब सर पे चढ़ गया उसका ईगो। लेकिन 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 आपको पता है ना अपन मतलब हार गए, दो बार हार गए, तीन बार हार गए। लेकिन गाइस आपको
आपको पता है जो हार के जीतता उसे क्या कहते हैं? मुझे पता है टोपीबाज कहते हैं। टोपीबाज? अरे टोपीबाज नहीं कहते भाई, छोड़ो। कहते अपन को जा रहा है इसके सर के अंदर, लेकिन उसका एक्सेस कैसे मिलेगा मैं आपको ये समझाता हूँ। गाइस पहले बता दो कि हमें इसके ब्रेन का एक्सेस क्यों चाहिए। गाइस अगर अपने को इंस्पेक्टर के ब्रेन का एक्सेस मिलेगा तो ऑब्वियसली अपन इंस्पेक्टर को कंट्रोल करके तो खेल नहीं सकते, क्योंकि गेम में ऐसा होता नहीं है। सबवे सर्फर में होता जरूर करते, लेकिन अगर अपने को इंस्पेक्टर के ब्रेन का एक्सेस मिल जाता है तो फिर अपन उससे दूर भागेंगे। मतलब गाइस देखो, अपन जनरली ब्रेन का एक्सेस लेके उस कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि इंस्पेक्टर है ना, तो अपन उससे दूर भागेंगे और हाई स्कोर अपना बनाएंगे। जिसका स्कोर ज्यादा होगा वो जीतेगा। लेकिन जो रैम चैलेंज है थोड़ा सा विचित्र है, क्योंकि हमें यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रैंप लेके ऊपर जाना है, और गाइस ऊपर जाके ये सबको कवर करते हुए एंड पे जाना, और एंड पे हमें मिलने वाला है इसका ब्रेन। और अगर अपन ने इसका एक्सेस ले लिया तो अपने को सीधा सबवे सर्फर पे एंट्री मिलेगी गाइस, और फिर वहां मैं जाके जीत जाऊंगा। मतलब उसके आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जीत जाऊंगा बस। इसलिए अपन वापस चलते हैं और इस रैम चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। अरे तुमने ये तो नहीं बोला ना मेरे पीठ पीछे कि तुम जीत जाओगे? नहीं भाई नहीं बोला है। गाइस अपना काम करते हैं, पहले ना आलोक को जान देते हैं, ठीक है। जा इस बार तू पहले चले जाओ, हाई स्कोर जितना हाई करना ना सेट कर ले, और उसको मैं यू तोड़ दूंगा बेटे यू। अरे यार जाओ, सपने देखते रहो, मैं जाता हूँ गाइस। जाने से पहले मैं इसे बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ। आलोक चाचा जी बेस्ट ऑफ लक। अरे यार अब हारूंगा, अब तो पक्का हारूंगा गाइस आलोक को। चॉप ने बेस्ट ऑफ लक क्यों बोला? क्योंकि गाइस जब भी चॉप आर्यन को बेस्ट ऑफ लक बोलता था वो हर बार हारता था। आज चॉप मुझे बोल दिया है, बाप रे, अब तो रैम चैलेंज करना भी मुश्किल लग रहा है गाइस। देखते हैं क्या होता है। उसके पहले मुझे, अरे बाप रे, मैंने बोला था आपको रैम चैलेंज मुश्किल हो रहा है। लगता है अब तेरे को भी पता चल गया कि तू आज हारने वाला है, तो तू कुछ नहीं बस बेकार बेकार बहाने दे रहा है आलोक, और कुछ नहीं। तुम इसे बहाने बोलो या नहाने बोलो, मैं तो भैया सच ही बोल रहा हूँ, नहाने क्यों बोलूंगा भाई, क्रेजी बंदा ये तो। एक मिनट, ओ भाई यहाँ से ऊपर जाना बहुत हार्ड है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत दूर दूर पे नाइट्रो रखा है इसलिए जा पा रहा है। अरे यार ये सब एक ट्रिक होती है, वैसे भी बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे भाई बंदर को अदरक चखा देना वो स्वाद जान जाएगा। अरे बात तो सही है मास्टर, लेकिन मुझे ना पिज्जा का स्वाद नहीं पता है, एक बार चखाओगे क्या? और अगर मन करे तो आज ही चखा देना। अच्छा देखो पिज्जा का स्वाद नहीं पता है बेटा, उस दिन मैं खा रहा था तो पीछे से आके मुंह किसने मारा? क्या पता, वो पक्का मैं तो नहीं होऊंगा मास्टर। हाँ तू तो नहीं होगा। अरे हे भाई ये तो कार से करना था वॉल राइड, बट इसने बाइक से ही कर दिया। ओके ओके, अरे भाई इसके साथ गोल गोल नहीं घूमना है? अरे यार मुझे पता है लेकिन मैं क्या करूं। ओ भाई ओके निकल गया भाई। देख आलोक तू कितना भी अच्छा सबवे सर्फर खेले, तू गाड़ी अच्छी नहीं चलाता है। अरे तो मैं डीजे वाला हूँ, ड्राइवर थोड़ी हूँ। ठीक है माना कि तू ड्राइवर नहीं है, बट तू राइडर तो बन सकता था ना। भाई अपन राइडर भी अच्छे। एक मिनट गाइस, लगता है ये रैम चैलेंज के एंड ये काफी क्लोज है, और ये क्लोज है इसका मतलब ये है कि अपना हाई स्कोर सेट करने वाला है ताकि अपन तोड़ दे। एक मिनट, ये अपना बाइक खुद तोड़ रहा है। गाइस ये रैम चैलेंज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखो यहाँ पे बोलिंग बॉल्स रखी है जो कि कार से गिरेगी, ये बेवकूफ बाइक से लेके आया। अरे यार मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा, तुम अपना मुंह बंद रखो तो। ओके अरे भाई एक मिनट, व्हाट भाई बाइक कितने दूर चले गई। अब देखते गाइस आलोक कैसा करता है। 3 2 1 लेट्स गो। अरे यार गाइस हम सबवे सर्फर पे आ गए हैं यार। हाँ भाई दिख रहा है, अब गाइस ये अपना हाई स्कोर सेट करेगा, और गाइस इस बार अपन देखते हैं क्या होता है। अरे मैं इतना हाई करूंगा कि तुम्हारे जैसे 10 क्या? अरे भाई पता है मेरे जैसे 10 लोग भी नहीं हरा पाएंगे, ठीक है मैं अकेले हराऊंगा, ठीक है। लेकिन एक बार बता कि तेरे को क्या लगता है कि तू प्रिडिक्ट करके तू कितना हाई स्कोर कर सकता है? अरे यार पिछले बार मैं बहुत क्लोज था 2 लाख के, इस बार तो मैं 2 लाख से ज्यादा करूंगा, ज्यादा। अच्छा ठीक है, 2 लाख से ज्यादा करने का अपने को वो दे रहा ना वादा। अब लेकिन गाइस अगर ये 2 लाख क्या मतलब, अगर ये 20,000 से पहले निपट गया ना भाई तो मजा आएगा। अरे यार तुम्हें मजा आएगा लेकिन मुझे नहीं, इसलिए मैं लंबा जाऊंगा लंबा। हाँ भाई तू लंबा जाएगा, लेकिन ओ भाई गाइस अभी तो ये ट्रेन आ रही है इसलिए आलोक को भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जब एक साथ 2 ट्रेन आती है ना भाई तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, और खासकर मेरे साथ ही होता है गाइस। जब भी मैं एकदम तेजी जाता रहता हूँ 2 ट्रेन आती है और मैं यूं ही पड़ जाता हूँ। मास्टर मुझे तो लगता है ये आलोक की सोची समझी प्लानिंग है, ये सबवे सर्फर वालों के साथ मिला हुआ है। हाँ भाई हो सकता है गाइस, किसको पता फ्री फायर और सबवे सर्फर का कुछ तो अंदर सीन चलता हो। अपने को क्या, अपन तो भाई दूसरे पार्टी के। अरे मास्टर आप तो बहाना मारने लग गए भाई। अरे भाई तू ही तो बोला था। अरे भाई क्या बंदा है, लेकिन ठीक है। अरे यार तुम दोनों के बकबक के बीच पे मेरा स्कोर देखो 40-50,000 ऐसा ही हो गया यार। अरे भाई गाइस बंदा कॉइन वॉइन भी खींच रहा है बराबर। ओ भाई लगता है गाइस 1
लाख तो ये यूं पार कर देगा, लेकिन क्या 2 लाख पार कर पाएगा? हाँ, मास्टर वो तो बाद में पता चलेगा। अरे भाई एक मिनट, हो भाई का, ओ भाई लक्की भाई, ये लक्की हो गया, निपटते निपटते बच गया भाई, कितने क्लोज था ये। लेकिन गाइस इस बार ये कैसा भी खेल लो भाई, मैं सच बता रहा हूँ इस बार नहीं हार रहा है, इस बार हार गया ना तो भाई मतलब दिल दुख जाएगा गाइस, मेरा बहुत बड़ा दिल दुखेगा। अरे यार अब देखो तुम इस बार हारे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट मिलेगी यार, मतलब मैं इतने बार जीत रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं मिल रहा, कम से कम तुम हार रहे हो तो तुमको कुछ पनिशमेंट मिलेगी, तो यही देख कर मैं खुश हो जाऊंगा यार। अच्छा ठीक है, अगर मैं इस बार हारता हूँ तो फिर क्या? हाँ मास्टर मैं बताऊंगा। नहीं एक काम कर भाई, जब मैं हारूंगा ना तब बताना। ओ भाई अभी तेज हो गया देखते। ओ भाई साहब गाइस अभी तेज हो गया ना थोड़ा सा, लेकिन आलोक भी तेज लग रहा है मेरे को, लेकिन इतना भी तेज नहीं। ओ भाई ओके नहीं गाइस, दो लाख नहीं हुआ। अरे यार गाइस आलोक का है 157,920, याद रखना अपने को इसको तोड़ने के लिए 158 करना पड़ेगा। अरे चलो कोई नहीं गाइस, मैं इस बार उतना भी अच्छा नहीं खेला, लेकिन फिर भी इस बेवकूफ आयरन से तो अच्छा ही खेला हूँ, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अरे भाई आलोक आता रहेगा, अपन चलते हैं। हाँ मास्टर मैं भी आऊंगा। हाँ भाई आजा, मेरे को पता है तू आएगा। अरे मुझे एक बात भी पूछना है आपसे। नहीं कोई फालतू बात नहीं, तू कोई भी फालतू बात पूछेगा ना मैं भाग जाऊंगा उधर से। अरे मास्टर इतने ज्यादा आप चिंतित लग रहे हो आज। अरे भाई आज आलोक से नहीं हार रहा है यार मेरे को, मैं इतने बार हार गया हूँ, मतलब भाई इतने बार हार गया हूँ कि अब मेरा हारने का मन नहीं कर रहा है। मास्टर हारने का मन तो किसी का नहीं करता है। अरे हाँ लेकिन मैं बहुत ज्यादा हार गया हूँ भाई, अब ऐसा हो गया ना कि अगर मैं इस बार नहीं जीतता ना भाई, मैं एक्चुअली मैं सबवे सर्फर खेलना बंद कर दूंगा, लिटरली बंद कर दूंगा मैं। अरे भैया जीटीए सर क्यों निकलवा रहे हो मुझे, जीटीए तो ढंग से खेलो। अरे भाई इसकी चिंता मत करिए, तो सिर्फ एक रेगुलर रैम चैलेंज, और देखो पता है अपन रैम चैलेंज के हीरो हैं। हीरो हो गए भैया, लेकिन यहाँ तो जीरो लग रहे हो। अरे भाई बात तो ठीक बोल रहा है ये भाई, और चौप मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ तुम्हें कुछ बेस्ट ऑफ लक मत बोलियो, ठीक है ना? ओके। क्योंकि मैंने नोटिस किया है ये जब भी मेरे को बेस्ट ऑफ लक बोलता है मैं निपटता हूँ। आपके साथ भी ऐसा होता है, आपको कोई भी मतलब कोई वेल विश करता है, अच्छी विश मतलब भाई बेस्ट ऑफ लक या ये ऐसा ऐसा कुछ भी, लेकिन एट द एंड कुछ बेकार हो जाता है, और आप लोग तो ऐसा लगता है कि भाई उस बंदे के कारण ही हुआ है। अगर आपको ऐसा हुआ है कभी तो मेरे को कमेंट में बताना। बाकी मेरे को तो भाई एक अकेला ही जो चौप है ना इसके कारण ही बहुत सारी प्रॉब्लम ये अकेला ही दे देता है। ओ भाई ये बोलते हैं स्मूथ वॉल राइड, अगर अपनी लैंडिंग और अच्छी होती तो गाइस स्मूथ बहुत हो जाता। एक मिनट। अरे भाई निकलने का मौका नहीं दे रहे अपने को, लेकिन गाइस अपने को मौके की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन ऐसे ही निकल जाते हैं घूम घूम के। अरे भाई मुझे अचानक से चक्कर आ रहे हैं और उल्टी लग रही है। अरे भाई उल्टी लग रही है ये क्या बात हुई, थोड़ी देर बस होल्ड कर, ये रैम खत्म होने वाला है। रैम से पहले मैं ना खत्म हो जाऊं मास्टर। अरे भाई वैसे देख चौप ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं, अगर तेरे को लगे कि तू खत्म होने वाला है तो मेरे को बता देना, मैं क्या पार्टी अरेंज कर दूंगा। भाई पार्टी करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अरे क्या मुझे लगा था बोलोगे डॉक्टर अरेंज करूंगा, लेकिन आप तो बहुत शाणे निकले, पार्टी अरेंज करोगे। भाई मेरे जाने के दिन पे कोई पार्टी बनाता है? हाँ, अभी मैं बनाऊंगा। अरे बाप रे सॉरी चौप, अभी अपन फिलहाल अपना हाई स्कोर देखते हैं, अपना स्कोर कितना जाता है। 3-2-1 लेट्स गो। तो अपन वापस आ गए गाइस सबवे सर्फर पे, और मैं चाहता हूँ कि गाइस चौप तो नहीं पर आप लोग मेरे को बेस्ट ऑफ लक लिख सकते हो, क्योंकि अपने को तोड़ना है 158, और गाइस इस बार 158 तोड़ के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, हाथ टूटे पैर टूटे या ही गेम ग्लिच गाइस कुछ भी हो, चीटिंग ऊपर नीचे ये वो, लेकिन गाइस इस बार अपन जीतेंगे और जीतेंगे बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? मास्टर अगर आप सोचो इतना बड़बड़ करने के बाद भी हार गए तो कितनी बेइज्जती होगी भाई। अरे यार भाई ऐसा मत बोलना, मैं ऑलरेडी नर्वस हूँ, नर्वस नहीं मैं मतलब डरा हुआ भाई, लिटरली डरा हुआ, और गाइस मैं इतना डर गया हूँ कि मैं डर डर के खेल रहा हूँ भाई, बिगाड़ ना दूँ। आप तो इतने बार ऑलरेडी हार चुके हो, इससे बुरा और क्या होगा। बात तो तेरी भी ठीक है, और जैसे आपको याद है अपने पास स्केटबोर्ड भी तो रहता है। एक मिनट, अपने कभी भी स्केटबोर्ड यूज क्यों नहीं किया? मैं सोच रहा हूँ स्केटबोर्ड यूज करता। ओ भाई और अपने पास स्केटबोर्ड काफी सारा है, तो भाई अपन स्केटबोर्ड भी तो यूज कर सकते हैं। अरे यार ये मैंने क्यों नहीं सोचा, मैं कितना बड़ा बुद्धू।
यार भाई देखो आज पता चल रहा है और अपने को ये चीज कब से पता थी। और गाइस मैं सोच रहा हूँ स्केटबोर्ड जब एंड होने वाला होगा तो स्केटबोर्ड को फोड़ देंगे। हाँ मास्टर उसे मत फोड़ना वरना ये आलोक तुम्हें आउट बोलेगा आउट। अरे भाई गाइस बात तो ठीक है मतलब आलोक का कोई भरोसा नहीं है कुछ भी हो सकता है। और मैं स्केटबोर्ड के चक्कर में जंपिंग शूज ले लिया बहुत बढ़िया। लेकिन ठीक है अभी अपन ऑलमोस्ट 60,000 के पास आ गए हैं और अपने को 158 बनाना है। तो गाइस 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 अभी अपना पूरा फोकस गेम पे ही है। और अच्छा अपने को 2x वगैरह मिल रहा है क्योंकि गाइस 2x से क्या होता है ना अपना सीधा सीधा इंटू 2 हो जाता है मल्टीप्लायर स्कोर। और गाइस जल्दी जल्दी बढ़ता है लेट्स गो लेट्स गो। अभी तक तो ट्रेन उतनी तेज हुई नहीं है लेकिन जब तेज होगी ना भाई तब सीन हो जाएगा। और गाइस मैं इतना ज्यादा डर रहा हूँ कि मेरे हाथ लिटरली कांप रहे खेलते वक्त। लेकिन 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 इस आलोक को मैं आज हरा के रहूंगा क्योंकि अगर आज नहीं तो फिर कब। गाइस आज ही वो दिन है जिस दिन ये आलोक हारेगा और ये अपनी इतनी ऐतिहासिक हार को ना हमेशा हमेशा याद रखेगा। भाई मैं तो बोलता हूँ आज तू कैलेंडर करवा ले। अरे यार अगर मैं हारूंगा तो कैलेंडर क्यों करवाऊंगा तुम जीतोगे तो तुम करवा लेना यार। बात तो तेरी ठीक है लेकिन गाइस अभी ना बस अब अपन जीतने वाले बहुत क्लोज है जीतने के बहुत क्लोज है। इसका कुछ 158 था अपना ऑलरेडी 118 हो गया 158 वन भाई 12 हो गया अपना। बस गाइस 158 है काफी 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 ओ भाई गाइस अभी निपटते निपटते बचाओ अभी तेज हो गया। अरे भाई ये क्या था लेकिन अपन बच गए है गाइस 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 बहुत तेज हो चुका है भाई मेरे को काफी तेज लग रहा है काफी तेज लग रहा है लेकिन देखते क्या होता है। ओके लेट्स सी मास्टर मुझे तो लगता है कि आप इस बार नहीं हारोगे। अरे भाई क्यों बोला तू भी अलग पनौती है लेकिन गाइस अपना 143 हो गया। ओ भाई काफी क्लोज है अपन जीतने के हारने का नहीं है। भाई हार्ट बीट तेज हो रही है मेरी आपके साथ साथ मेरी भी हो रही है मास्टर। अरे भाई ओके अपन जीतने वाले जीत गए लेको भाई आलोक फाइनली मैं तेरे से जीत गया तो समझ रहा है। और मैं सोच रहा हूँ जानबूझ के ही मर जाए क्या या फिर अपन अपना एक हाई स्कोर सेट कर दे। ठीक है मर गया कोई नहीं आलोक से ज्यादा स्कोर है लेट्स सी कितना होता है। ओ भाई 219 लेगो गाइस मैं बोलता ना इतनी सारी मेहनत करने का कुछ तो मतलब कुछ तो फायदा होगा और अपन फाइनली आलोक से जीत गया आप समझ रहे हो ना। बस भाई मेरी जिंदगी का यही मकसद था आलोक से जीतना मैं जीत गया मैं खुश हूँ भाई। आज मैं चैन से सोने वाला हूँ। आज अपन घुसने वाले जेक फ्रॉम सबवे सर्फर के सर के अंदर। तो गाइस सीन कैसा होगा मैं आपको समझाता हूँ। ये थोड़ा अलग टाइप का विचित्र सा रैंप मिला है मेरे को। तो गाइस ये थोड़ा सा पानी के ऊपर बना हुआ एक ब्रिज जैसा है और हमें यहाँ से मॉन्स्टर ट्रक गाड़ियां लेकर जाना है और यहाँ से वहां तक गाड़ी ले जाना बहुत कठिन है क्योंकि आप देख रहे हो ये ब्रिज ऊपर नीचे डगमगा रहा है और इसपे गाइस ये बॉल डली हुई है जो कि आधी डूब चुकी है और आधी ऊपर है। लेकिन अगर फिर भी किसी बंदे पे इतना दम है कि वो यहाँ तक पहुंच जाता है तो उसे मिल सकता है जेक का ब्रेन। और गाइस जैसे उसे ब्रेन का एक्सेस मिलेगा वो एक्चुअली में सबवे सर्फर में जाके जेक को कंट्रोल कर पाएगा। तो गाइस जैसे जैसे जो जो बंदा यहाँ पे लैंड करता जाएगा वो अपना सबवे सर्फर में टर्न खेलेगा और देखते हैं सारे बंदे कैसा खेलते हैं। फिलहाल गाइस अपने को उसका ब्रेन का एक्सेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि गाइस पिछले बार अपन आलोक से हार चुके हैं और इस बार मैं अपना हाई स्कोर अच्छा बनाना चाहता हूँ भाई मतलब मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करूंगा तो गाइस मेरा हाई स्कोर अच्छा हो जाएगा और एक दिन मैं फाइनली आलोक को क्या सबको हरा दूंगा। तो अभी फिलहाल अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन बंदा एक्चुअली जा सकता है जेक के ब्रेन के अंदर और स्टार्ट करने वाले हैं अपने खतरों के खिलाड़ी आलोक से। नहीं अरे पता है मैं जाने भी नहीं वाला था क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुम्हें यूं हरा दूंगा चुटकियों में। हाँ ठीक है मतलब गाइस वैसे तो ये हरा देगा लेकिन इसको बताना नहीं है। हाँ मतलब ऐसा नहीं है देख मेरे को भी आता है ठीक है ना पिछले बार मैं हार गया पर ऐसे नहीं होगा हर बार। तो सबसे पहले अगर मास्टर मैं जाऊँ क्या। अरे तू वहाँ खड़ा है वो बेटे इधर अपन पानी में सब भीग रहे तू यहाँ पे खड़ा है। हाँ इसे ही तो बोलते है कि दिमाग चलाओ प्यारे दिमाग। जहाँ किसी का दिमाग नहीं चलता वहाँ जॉब का चलता है और जहाँ सब अपनी कॉमन सेंस यूज करते हैं वहाँ चॉप नहीं करता है। अरे जब सब कर ही रहे तो चॉप क्यों करे भैया। हाँ ठीक है भैया गाइस तो अपन आलोक को भेजते। वेट व्हाट आलोक कहाँ गायब हो गया। अरे मुझे पहले से पता था जाऊंगा तो मैं ही गाइस अभी चलते हैं। अरे इधर भाई इधर। अरे यार गाइस ये बिना बताए निकल पड़ा है। ओ भाई ओके एक्चुअली में ये रैम काम कर रहा है मतलब मेरे को लगता है कि आलोक डूबते जस्ट बचा है। लेट्स सी गया। अरे यार ठीक है मुझे पता नहीं था कि कैसे करना है थोड़ी सी स्पीड जरूरी है नहीं तो डूब जाएगा। अरे भाई तू क्या बेवकूफ आदमी है पानी के ऊपर जा रहे एटलीस्ट देखो जो भी सबसे लाइट गाड़ी थी उसे चूज करना था लेकिन नहीं तू तो चॉप से भी बुद्धू है ना। अरे यार ठीक है ना
भाई अब गलती से सही पहुंच तो गया ना एंड तक गाइस। चलो यार जल्दी से चढ़ता हूँ इससे पहले कि मुझे मौका छीना जाए। मैं जाता हूँ। अरे वाह मैं पहुंच गया इसके ब्रेन तक। अब तू घुसने वाला है सबवे सर्फर में। 3 2 1 लेट्स गो। गाइस अपन आ गए हैं सीधा सीधा सबवे सर्फर में और अभी कोई और नहीं आलोक ही खेल रहा है। अरे यार अब तो मुझे लगता है मैं मास्टरों का मास्टर आलोक द ग्रेट सबवे सर्फर जेक बन गया हूँ है ना, क्योंकि अब मैं तुम्हें हरा दिया। अब बचा कौन है यार। गाइस इसकी बोलती बंद करने का समय आ गया। वेट व्हाट भाई मिस्ट्री बॉक्स मिल गया इसे। ओ भाई गाइस वीडियो के एंड पे मतलब इसी जब टर्न खत्म होगी ना तो भाई खोल के देखेंगे क्या होता है। अरे यार मिस्ट्री बॉक्स खोलने की मुझे इतनी जल्दी हो रही है कि सोच रहा हूँ अभी मर जाऊँ और खोल के देखता हूँ कि क्या होगा। अरे भाई गाइस आपको भी मिस्ट्री बॉक्स खोलने की ऐसी जल्दी मचती है क्या? मतलब अगर आपको भी ऐसी जल्दी मचती है तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता दो भाई। लेकिन गाइस अगर अपने मिस्ट्री बॉक्स से कुछ खतरनाक निकलेगा ना भाई तो आपको एक ना एक लाइक तो मारना ही पड़ेगा, क्योंकि गाइस हर बारी मिस्ट्री बॉक्स से कुछ अच्छा नहीं निकलता है। अरे यार नजर हटी दुर्घटना घटी। गाइस खोल के देखते 3 2 1 लेट्स गो। ओ भाई गिटार मतलब ठीक है गाइस ये अपने स्पाइक का गिटार है और किसी का नहीं। अरे गाइस अगर आप भी स्पाइक को जानते हो और उसे GTA में देखना चाहते हो तो एक बार हमें कमेंट में बता दो यार। हाँ गाइस अगर आप भी स्पाइक को देखना चाहते हो तो वो कमेंट करके बता दो। बाकी इस बार ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाता हूँ। अरे यार तुम क्यों आ रहे हो? हाँ बेटे अब तेरे को पता चल रहा है? हाँ मास्टर आप अकेले ना ही जाओ मुझे भी ले जाओ। हाँ चल हर बारी मैं तेरे को नहीं ढोके जाऊंगा ठीक है ना। मतलब गाइस एक बार मैं इसको लेके कैसे लग गया भाई? बंदा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। पीछे नहीं आगे। अरे भाई ठीक है गाइस ये थोड़ी सी हल्की कार है कंपेयर टू मॉन्स्टर ट्रक। और गाइस मैंने एक चीज सोची है कि अपन जितनी स्पीड से जाएंगे ना ये पानी है अपन जितनी ज्यादा स्पीड से जाएंगे उतना फायदा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जितना स्पीड हो सकता है ले लेता हूँ। लेट्स गो। ओके बहुत गए। मेरे आपको ऐसे ही लगता है कि अपन कुछ ज्यादा ही प्रो हो गए। मतलब ज्यादा ही मतलब जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना मतलब यू कर दे रहा हूँ मैं। आप समझ रहे हो ये बुद्धू आलोक जैसे नहीं कि पलट रहा हूँ गिर रहा हूँ इधर उधर गिर रहा हूँ फिर 10 बार ही रीचांस ले रहा हूँ बार बार चांस मिल रही है मेरे को। ऐसा नहीं भाई एक बार में ठीक है ना। अरे यार ठीक है भाई ठीक है अभी दिखाता हूँ सबवे सर्फर में कौन हीरो है। दिखाओ अपनी टर्न खेल के दिखाओ। अच्छा ठीक है 3 2 1 लेट्स गो। कल अपन फिर से आगे सबवे सर्फर में और ये था आलोक का स्कोर 2172। इस बार तो टूट जाएगा लेकिन गाइस अपना जो चैलेंज है ना वही वाले चैनल पे नहीं होगा वो अपने दूसरे वाले। एक मिनट ये क्या हो रहा है? वेट ओके ठीक है गाइस मैं ये बोल रहा था अपना जो चैलेंज है ना आलोक के साथ रियल वो अपने इस वाले चैनल में नहीं वो अपने दूसरे वाले चैनल में होगा आर्यन टूल्स वाले। क्योंकि गाइस उसमें अपना सबसे पहला चैलेंज हुआ था आलोक के साथ और जिसमें मैं काफी बुरा हारा था। मतलब जिन्होंने वीडियो देखी उनको अच्छे से पता होगा भाई। अगर आपने नहीं देखी तो आप आर्यन टूल्स चैनल पे जाके देख सकते हो। लेकिन गाइस अभी सीन कैसा है ना ये वाला जो सबवे सर्फर है ये अपना पीसी वाला वर्जन है और ये थोड़ा सा पुराना है। लेकिन गाइस अपना जो फोन वाला है जिसमें 10th एनिवर्सरी वाला सीन चल रहा है ना सबवे सर्फर का गाइस मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अपन वो वाला खेले। अगर आप भी चाहते हो अपन वो वाला खेले तो एक बार कमेंट में बताना। बाकी गाइस अगर 10th एनिवर्सरी वाला खेलेंगे ना भाई तो उसमें एक से एक चीजें हो रखी है वो भी एक बार ट्राई आउट कर लेंगे। अभी फिलहाल अपना जो मेन फोकस है वो आलोक का स्कोर तोड़ने में ठीक है ना। अरे यार मैं तो मिस्ट्री बॉक्स के चक्कर में लालच में आके आउट हो गया यार। असलियत में तो मुझे आउट नहीं कर सकते हो। ठीक है जो भी हुआ लेकिन गाइस ये वाला गेम है ठीक है ना। तो इस वाले वीडियो की बात करते हैं और आलोक को एक्चुअली में आउट करते हैं। लेकिन जब चलती हुई ट्रेन आती है तो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। ओके अभी चलती हुई ट्रेन जा चुकी है और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं आलोक का स्कोर तोड़ने वाला हूँ। जैसे आलोक का स्कोर टूटेगा मैं जानबूझ के आउट हो जाऊंगा क्योंकि गाइस खाली फोकट इसे लंबा खींचने का कोई खास मतलब नहीं है क्योंकि बाकी लोग की भी टर्न बची हुई है। अरिन भाई बात तो सही है। मास्टर सही बोले। ओके गाइस लेट्स सी। ओ भाई आलोक का टर्न कब का टूट गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आउट हो जाते हैं। ठीक है मैं सोच रहा हूँ कि आउट हो जाते हैं क्योंकि अपन अभी प्रो जैसा खेल रहे हैं। प्रो जैसा ठीक है ना मतलब एकदम इजीली कर ले रहे हैं भाई जो भी है ट्रेन को काट दे रहे इधर उधर। अरे भाई ओ भाई ठीक है गाइस अब मैं जानबूझ के आउट हो रहा हूँ। लेट्स गो आउट हो जाते हैं। अब एक काम करते हैं आलोक क्योंकि तू मेरे से हार चुका है क्योंकि मेरा स्कोर तेरे से काफी ज्यादा है। तो अब क्या होगा ना जब अपना जो फाइनल मैच होने वाला है ना गाइस अपना फाइनल मैच होगा कुछ ही दिनों में मैं तब तक और प्रैक्टिस कर लूंगा। अरे यार तुम प्रैक्टिस करोगे तो मैं नहीं करूंगा यार। मेरी भी एक बार प्रैक्टिस हो जाने दो फिर तुम्हें हराता। ठीक है वो तो समय बता देगा कौन हरा रहा है। बाकी अभी अपना नेक्स्ट कंटेस्टेंट को आंदो। मुझे जाना तो है गाइस लेकिन किसके साथ जाओ? एक काम करता हूँ चाचा जी से पूछता हूँ वो बेचारे दिल के बहुत अच्छे हैं भले बाहर से बेकार ठीक है। चाचा जी मुझे ले चलोगे क्या उस पर? अरे मेरा हाथ पैर लंबा है इसका ये मतलब नहीं कि मैं एक छलांग में उधर चल दूँ। अरे छलांग में नहीं भैया गाड़ी से जाएंगे ना। फिर ठीक है चलो मेरे पीछे आओ। देखा गाइस मैंने कहा था
ना चाचा जी दिल के अच्छे है। अरे ट्रक मत लो भैया, डूब जाएगी। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या लू, बाइक ले लेता हूँ। अरे बाइक तो चलेगी ही नहीं। अरे बैठो, चलना है तो जल्दी बैठो। अच्छा ठीक है। मास्टर मैं आ रहा हूँ। अरे भाई ओके ओके, चाचा जी आप तो डूब गए। डूबे नहीं, मुझे डुबा दिया। अरे भाई एक मिनट, वॉट भाई, ये तो एक्चुअली में मतलब ऐसे अपना लॉन्ग जंप वॉन्ग जंप नहीं होता है गाइस, ये तो वैसे पार्कर चैलेंज से पार कर रहा है भाई, ये पार्कर चैलेंज नहीं है, ठीक है ना। अरे मैं जो करूँ ये वही बन जाता है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है गाइस, हमें कार से करना था, मतलब ठीक है इसके लंबे लंबे पैर और लंबे लंबे हाथ है, इसका ये मतलब नहीं कि ये फुल फायदा उठाएगा। गाइस देखो एक एक बार में जंप कर ले रहा है भाई, ये तो नाइंसाफी है ना, अपन इधर छोटे छोटे पैर लेके चल रहे हैं, आई मीन इससे तो छोटे ही है, लेकिन ठीक है अब ये कर लिया है तो कर लिया है, ठीक है ना। मैं भी पीछे पीछे आ रहा हूँ मास्टर। एक मिनट, तू पानी में? मुझे स्विमिंग आती है। हाँ तभी तो डूब गया तू। अरे नहीं मैं डूबा नहीं हूँ, अभी आता हूँ रुको। अरे भाई गाइस स्विमिंग कब आ गई? मैंने और निर्मा ने जब मालदीव का प्लान बनाया था तो हमने स्विमिंग भी सीखा था। वो बात अलग है कि अब निर्मा साथ नहीं है। अरे यार गाइस मैं फिर दुखी हो गया। कोई नहीं अब तू दुखी हो के सब में सर्फर खेल। 3 2 1 लेट्स गो। हम आ गए, चलो गाइस मुझसे अच्छा कोई ना ही खेल सकता है। हाँ एक मिनट, तुझसे अच्छा कोई नहीं खेल सकता है, पर ये क्या कर रहा है तू? मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, लगता है मेरे पंजे है ना। बॉट भाई 330, ये क्या बात हुई? अरे मेरी उंगली नहीं मेरे पंजे है मास्टर, बात समझो। तो मैं पंजा चला रहा था, मोबाइल ही पूरा स्क्रैच होके टूट गया। अरे भाई क्या बंदा है तू। गाइस मोबाइल तो इसने तोड़ा तो तोड़ा, वो तो ठीक है, लेकिन 330 ये कैसे स्कोर हुआ? मतलब गाइस एक बात बताओ, कोई ऐसा बंदा है जो 330 का स्कोर नहीं तोड़ सकता है? मतलब है तो मेरे कमेंट में बता दो, मुझे ही लगता है कि कोई होगा, और अगर होगा तो शायद बताएगा नहीं वो। बाकी गाइस टेंशन वाली बात वो नहीं है भाई, टेंशन वाली बात ये है कि अभी आ रहा है अपना शिनचैन, ठीक है ना, और शिनचैन कैसा खेलता है ये मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ, क्योंकि गाइस वो एक्चुअली में वो बंदा है जो कि दिन भर सबवे सर्फर ऐसे टाइप के गेम खेलता रहता है ना, तो एक बार देखते हैं कि वो एक्चुअली कैसा खेलता है। मुझसे अच्छा तो आई मीन खेल ही लेगा भाई, क्या करूं मेरे पास पंजे है। अरे भाई इतना दुखी मत हो, मतलब तेरे पास पंजे है तो तेरे को काफी फायदे भी तो है। बात तो सही है, जैसे कि तुम्हारे मुंह को नोच सकता हूँ मैं। हाँ ये कोई ज्यादा अच्छा फायदा नहीं है। गाइस शिनचैन का देखते हैं क्या सीन है। अरिन भाई मैं आ रहा हूँ, लेट्स गो। गाइस बाइक तो डूब जाती है तो मैं बाइक नहीं लूंगा, एक काम करता हूँ ये वाली कर लेता हूँ, छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी जैसे कि मैं हूँ। भाई कहाँ से छोटी सी और नन्ही सी कार लग रही है तेरे को? लग रही है। ओके 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 भाई देख लोगों पे मत जाइयो, ड्रैगन वैगन पार करके पहुंच रहा था, लेकिन ओके लगता है तू सीधे रैंप से आने की नहीं सोचा है ना। आई एम सॉरी, लगता है ये मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हो गया, लेट्स गो। अरे भाई वो सीधा दिमाग पे आके लैंड गया बंदा। चलो 3 2 1 लेट्स गो। गाइस अब अपन आ गए शिनचैन की टर्न खेलने, मतलब इस बंदे को सिर्फ और सिर्फ 330 कुछ है हाई स्कोर उसको, मतलब 330 था रिसेंट स्कोर, जो कि था हमारे सबसे प्यारे और सबसे होनहार चॉप का। मुझे पता है मैं इतना भी खास हूँ, लेकिन और ज्यादा खास ना ही बनाओ, ठीक है, लेकिन अपना हाई स्कोर साइड में दिख रहा है जो कि है 5686, और मुझे लगता नहीं कि ये बीट कर पाएगा। अरिन भाई मुझे ज्यादा चढ़ाऊ मत। हाँ नहीं चढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं ये जरूर सोच रहा हूँ कि भाई देखते को सिर्फ और सिर्फ 330 बीट करना था, जो कि तूने कर दिया है। एक काम करो तुम आलोक का स्कोर बीट कर दो। हाँ एक काम कर, आलोक का कुछ 2500 के आसपास था उसे बीट कर दे, मतलब तेरे को बस 3000 के आसपास स्कोर बनाना है और समझ ले कि आलोक का बीट हो गया। वो तो मैं सोते सोते कर दूँ अरिन भाई बिना देखे। भाई सुन ना ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर मैं कर दूँ तो? भाई ठीक है नहीं मतलब हो भी सकता है वैसे, लेकिन गाइस दिक्कत वो नहीं है भाई, दिक्कत की बात ये है कि एक्चुअली में जब आलोक का मेरा मैच होगा और अगर मैं हार गया ना तो मेरे को एक पनिशमेंट भी करनी पड़ेगी जो कि काफी ज्यादा इंटेंस होगी। अरे बाप रे लगता है मजा आएगा। अरे भाई तू सोच लिया है पहले से कि मैं हारूंगा? ऐसा नहीं है भाई, दोनों में से जो भी हारेगा मुझे तो मजा ही आएगा ना। अच्छा हाँ मतलब तुझे तो सिर्फ देखने का मिलेगा, देखने में तो मजा आता ही है, बट फिलहाल शिनचैन का स्कोर हो गया 3000, तो गाइस अब शिनचैन सीधा सीधा बंद करने वाला है। भाई अब तू निपटना चाहता तो निपट जा। ओके गाइस लेट्स गो। एक आ ट्रेन आने दो, मैं सोच रहा हूँ ट्रेन के सामने आ जाऊं। ये देखो रे बाप गाइस फाइनली हो गया। हो भाई गाइस फाइनली हमने मतलब सबवे सर्फर के जेक का मतलब ब्रेन का एक्सेस एक्चुअली में ले लिया ऑलमोस्ट, क्योंकि अपन उसको कंट्रोल कर पा रहे थे, मतलब आप समझ रहे हो ना। आज अपन घुसने वाले हैं ट्रिकी फ्रॉम सबवे सर्फर के सर के अंदर, और उसके सर के अंदर घुस
मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि हमारे पास एक रैम चैलेंज है जो कि रैम चैलेंज कम कंफ्यूजिंग चैलेंज ज्यादा है। मतलब गाइस यहाँ बहुत ज्यादा चांस है कि बंदे रैम पे चलते चलते भटक सकते हैं और मेरे जैसे हो तब तो अटक भी सकते हैं। तेरे जैसे नहीं भाई, कोई भी बंदा भटक सकता है। गाइस ये जो रैम पे ये बड़ा या छोटा नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है और अगर अपने को सही रास्ता मिल जाए तब तो अपन एंड तक पहुंच जाएंगे। और गाइस जितने भी बंदे उस जगह को खोज ले जहाँ पे हमने पीसी और फोन रखा है जो कि काफी दूर भी नहीं है, यहाँ पर है, अगर यहाँ तक पहुंच गए तो गाइस उन्हें ट्रिकी के ब्रेन का एक्सेस मिल जाएगा और गाइस फिर वो लोग ट्रिकी को कंट्रोल कर सकते हैं सबवे सर्फर पे। और गाइस फिर अपन देखेंगे कि कौन एक्चुअली में ट्रिकी को कंट्रोल करके अच्छा खेल पाता है सबवे सर्फर में। और आपको तो पता है, मतलब गाइस वैसे तो मैंने पिछले गेम में बहुत बार हारा है लेकिन गाइस इस बार नहीं, इस बार मैं नहीं हार सकता। मतलब भाई मेरा हारना बनता ही नहीं है। एक काम करते हैं, अभी फिलहाल अपन स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले आलोक तू नहीं जा रहा इस बार? अरे तुम ऐसा ही बोलते हो, पर घूम फिर के जाता मैं ही हूँ। हाँ मैं ही जाता हूँ। हाँ तू जाता है लेकिन इस बार मैं जा रहा हूँ। गाइस मैं देखा हूँ जो पहले जाता है ना उसके अच्छे आते हैं, मतलब हाई स्कोर बहुत रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं जाके देखता हूँ। हाँ मास्टर मुझे भी ले चलो भाई, मेरे बिना आप अधूरे, आई मीन आपके बिना मैं अधूरा हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर ठीक है आ जा। धन्यवाद। हाँ भाई ठीक है, एक मिनट, अपने को स्टार्ट कहाँ से करना है? ओ भाई गाइस स्टार्ट उधर से हो रहा है, अपन किधर भी जा रहे हैं ना। ठीक है ठीक है ठीक है। ओ भाई वो तो अच्छा है कि अपनी मॉन्स्टर ट्रक कहीं भी चढ़ जाती है कहीं भी उतर जाती है। हाँ मास्टर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि ये उल्टा पलट जाएगी? हाँ इसका ये मतलब भी है कि ये उल्टा पलट सकती है। हाँ अगर ये उल्टा पलटेगी तो मेरा क्या होगा? हाँ पता करना है तो बता। अरे नहीं नहीं भैया, पता ना ही करना है, क्योंकि अगर करना होगा तो बता दियो, मैं एक बार उल्टा पलटा के तेरे को दिखा दूंगा और तेरे को पता चल जाएगा कि गाइस मॉन्स्टर ट्रक पलटती है तो क्या होता है। अरे यार मास्टर ये क्या बात हुई। गाइस अपने को जाना कहाँ है आपको पता है, लेकिन अपन वहाँ तक जाएंगे कैसे? एक काम करते हैं गाइस फुल तेजी से चलते हैं। हाँ मास्टर इतनी भी तेजी मत करना कि मैं उड़ जाऊँ। हाँ भाई इतनी तेजी नहीं हो सकती क्योंकि मॉन्स्टर ट्रक है भाई, अब मॉन्स्टर ट्रक की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं होती है। हाँ लेकिन अगर आप चाहो तो हो सकती है। भाई चाहूँ तो तेरे को भी निपटा सकता हूँ। गाइस लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या एक्चुअली में अपन रैंप में भटक जाएंगे? मतलब इसका नाम है कंफ्यूजिंग रैंप, पर देखते हैं कि अपन भटकते या नहीं। हाँ मास्टर आपके साथ मैं हूँ। हाँ अब तो मैं पक्का भटकूंगा। अरे नहीं मुझे रास्ते अच्छे से याद। बाप रे बाप, तेरे को रास्ते अच्छे से याद रहते हैं बोल रहा था तू? हाँ याद तो रहते हैं। अरे आपको अंदर से जाना था बाहर से नहीं। हाँ चल अब तू मेरे को मत सिखा ठीक है ना। अरे यार मास्टर आप तो फिर निकले फिर। हाँ चल रहने दे। गाइस अपन इस बार ना ट्रिकी का जब ब्रेन एक्सेस कर लेंगे ना भाई तो इतना हाई स्कोर सेट करेंगे, इतना हाई स्कोर सेट करेंगे कि आलोक अपना स्कोर देख के डर जाएगा। अरे ये क्या बात हुई, बहुत कम मत करना। हाँ ठीक है। ओ भाई पहुंच गए फाइनली। अरे फिर मुझे छोड़ दिया, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? ये तू पूछ रहा है कि बता रहा है? आई मीन हाँ भाई नहीं है। ठीक है गाइस अपन चलते हैं सबवे सर्फर में। 3 2 1 लेट्स गो। ओके तो गाइस ये रही ट्रिकी। हाँ लेकिन इसका नाम ट्रिकी कौन रखा है? अरे उससे क्या करना, गाइस अपन सीधा स्टार्ट करते हैं। और इस बार मैं बता रहा हूँ भाई, आलोक मेरे पॉइंट देख के अगर डर नहीं गया ना भाई तो नाम बदल दियो। अरे ये सब क्या कर रहे हो भाई मास्टर? अरे भाई नहीं पता, अचानक से अजीब सा कुछ तो ग्लिच होता है स्टार्टिंग में और गाइस कंट्रोल पूरा खो जाता है। लेकिन एक बात बता, अगर आपको सच सच में पूछूं तो ये बताओ कि आपने प्रैक्टिस करी है? भाई नहीं गाइस, अब मैं सबवे सर्फर की कौन सी प्रैक्टिस करूंगा भाई? अरे यार ऐसा है क्या, मैंने तो खूब करी है, खूब फ्री फायर छोड़ के सिर्फ सबवे सर्फर खेलता रहता हूँ मैं दिन भर। अरे भाई गाइस आलोक ने ये कॉम्पिटिशन को दिल पे ले लेता है सीधा, मतलब उसे हारना मंजूर नहीं है। हारना किसे मंजूर है? हाँ हारना किसी को भी मंजूर नहीं है, लेकिन गाइस सीन कैसा है ना कि अपन इतने बार हार गए ना, इतने बार हार गए। ओ भाई गाइस जेट पैक मिल गया और आपको तो पता है जेट पैक आता तो उसके बाद अपन एक भी कॉइन नहीं छोड़ते हैं। आपको मुझे भी पता है आप कॉइन्स के भूखे हो। अरे भाई ये क्या बोल रहा है, मतलब मुझे सिक्के बटोरने के शौक नहीं है, लेकिन अगर फ्री में मिल रहे तो क्यों ना बटोरे। ओ भाई गाइस ये वाला जेट पैक तो काफी लंबा चल गया, मतलब ओ भाई साहब। ठीक है गाइस अभी अपने पुलिस वाले अंकल बहुत दूर छूट चुके हैं तो इसीलिए अभी अपने को टेंशन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात तो दिक्कत की ये है गाइस, अगर ट्रिकी को लेके अपन हारते हैं तो सीन ऐसा रहेगा ना कि मतलब जेक लेके भी अपन हार ही गए, ट्रिकी लेके भी अपन हार ही गए, इसका मतलब गाइस अपन ही बेकार प्लेयर है। मास्टर आपको ये चीज पता करने में इतना समय लग गया, ये तो पता था मुझे। अरे भाई यार मतलब थोड़ा सा तो होगा। अरे यार
मास्टर दिल पे ना ही लेते हैं। अरे भाई गाइस अभी अपना फिलहाल स्कोर 60,000 के आसपास पहुंच गया जो कि अच्छा ही है, लेकिन गाइस अभी 100 के पार करना है। देखते हैं 100 के बाद कैसा होता है स्कोर। और भाई आलोक से एक बार तो जीतना है, मतलब एक बार उसे जीतने का मुझे ना एक बार फील चाहिए और मैं देखना चाहता हूँ कि जीत के कैसा लगता है, क्योंकि गाइस अगर नहीं जीते तो प्रॉब्लम हो जाती है और जीतने के बाद तो आपको पता है ये सीन कैसा रहता है। लेट्स गो। और गाइस अभी फिलहाल अपन काफी सही आ रहे हैं और इतने लंबे आ गए, 80,000 के आसपास स्कोर हो गया। लेट्स सी अपन कितना लंबा जा पाते हैं। अरे यार लगता है मुझे कुछ तंत्र मंत्र करके इसे हराना पड़ेगा। गाइस ये तो हारने का नाम ही नहीं ले रहा है। भाई हारने का नाम मैं लूंगा भी नहीं। गाइस यही पे मैं फंसता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी ना कभी एक साथ दो ट्रेन आती है। और ओ भाई सेकंड जेट पैक मिल गया। ठीक है। ओ भाई ओके। ओ भाई लेट गो। अरे भाई कितना लंबा जेट पैक है गाइस, घर छोड़ के आएगा लगता है ये तो। हाँ मास्टर घर नहीं है, आपको बाहर छोड़ेगा, बाहर। अरे भाई क्या बाहर, कहाँ बाहर। ओके गाइस हमने फाइनली एक भी कॉइन नहीं छोड़े और इनटू 2x भी मिल गया अपने को। मतलब ओ भाई गाइस अभी तो तेजी बहुत बढ़ गई है। ओके गाइस बहुत तेज हो रहा है और इस तेजी पे मजा भी आ रहा है। और गाइस तेजी एक मिनट लगता है मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। लेकिन कोई ना, अपना 194.850 हुआ जो कि उतना बैड नहीं है, इट्स प्रीटी गुड। लेकिन गाइस देखना ये रहेगा कि क्या अब आलोक हमें टक्कर दे पाता है या नहीं। अरे यार मेरे लिए तुमने बहुत छोटा चैलेंज सेट किया है। देख भाई आलोक, पहली बात तो ये कि मुझे तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि तू एक्चुअली इस रैंप को सही शॉट पार करके जहाँ पे अपना PCC रखा है वहां तक पहुंच पाएगा। अरे यार फिर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मुझ पे कॉन्फिडेंस की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है यार। अरे भाई गाइस आलोक तो भाई मतलब कुछ तो, एक मिनट व्हाट भाई, इसने रैंप पूरा स्किप कर दिया। अरे यार प्रो लोग ऐसा ही करते हैं, प्रो लोग। अरे भाई यार गाइस ये ज्यादा ही प्रो हो गया है, सच बता रहा हूँ मैं। मतलब इतना प्रो ना अपने लिए ठीक नहीं है भाई, इतना प्रो होगा ना तो मैं तेरे को वापस सोच रहा हूँ कि डाल दूँ कहीं ना कहीं। अरे यार ऐसा मत करो, अब मैं इतना भी प्रो नहीं हूँ कि तुम मुझे यहाँ से भगा दो। लगता है तुम हारने के डर से मुझे यहाँ से भगा रहे हो। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन इतने जल्दी पहुँच गया। हाँ मास्टर लगता है आप इसके सामने बहुत फीके पड़ गए हो भाई। अरे यार गाइस आलोक एक्चुअली में बहुत जल्दी पहुँच गया। अरे यार अब मैं सबवे सर्फर खेलता हूँ। अरे भाई क्या दिक्कत क्या थी। अरे क्या बताऊँ, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ कभी कभी। भाई इतना एक्साइटेड भी मतलब ठीक है। अरे क्योंकि मैंने आज तक किसे खेला ही नहीं है, मुझे मौका ही नहीं मिला, मेरे में कभी खुली ही नहीं वो। हाँ भाई वो पिरोलोक के में खुलती है ना, जा अभी खेल ले। गाइस अभी ना मैं आलोक के साथ देखना चाहता हूँ कि एक्चुअली में कैसा खेलता है। अरे वाह 3-2-1 लेट्स गो। अरे बाप रे गाइस सामने 194.850 स्कोर है, लेकिन मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि गाइस मैं नहीं आर्यन से डरता, वो मुझसे डरेगा हमेशा हमेशा के लिए। अरे भाई ठीक ठाक तो है ना तू। अरे मैं ठीक से भी बढ़िया हूँ, ठीक है। देखते हैं गाइस किस टाइप का ये मतलब हीरो तो बन रहा है, लेकिन अगर ये बंदा अपने को हरा देता है ना तो फिर कुछ नहीं, और क्या, हरा देता है। पर इतना इजी भी नहीं है बेटा। इस बार मेरा स्कोर रहा पिछले बार से काफी अच्छा है, तो अगर तू एक्चुअली में मतलब अपना बेस्ट देगा तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चांस है कि तू जीत जाए। हां मास्टर थोड़ा बहुत, मुझे तो थोड़ा ज्यादा ही चांस लग रहा है भाई। अरे भाई तू किसकी टीम में है? किसी की टीम में नहीं है, बल्कि सब लोग चॉप की टीम में होते हैं। अरे भाई ठीक है, गाइस अभी तो अपन इतना फास्ट खेले ना तो इसको देख के लग रहा है कि कितना स्लो जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड ठीक ठाक है। लेकिन एक चीज जो देखने लायक है वो ये है कि गाइस जैसे ही अपन जंपिंग शूज लेते हैं भाई अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ती है, और भाई इंस्पेक्टर इतने पीछे छूट जाते हैं, इसने पीछे छूट जाते हैं। मुझे लगता है भाई इंस्पेक्टर थक जाते होंगे और कहीं चाय वाय का ब्रेक लेते होंगे। हाँ मास्टर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। अरे भाई भाई, अरे एक जंपिंग शूज गया दूसरा मिल गया भाई, ऐसे तो ये सबके ऊपर से कूद कूद के निकल जाएगा। अरे यार यही तो मेरी खासियत है, मैं हर जगह से कूद बांध के भाग जाता हूँ। वही तो, तू हमेशा भागता रहता है, ये तो तेरी बेकार बात है ना। अरे यार अच्छी बातों को बेकार। अरे भाई इसे फिर मिल गया, क्या सीन चल रहा है। इस पे जंपिंग शूज आ रहा है, सब चीज को यू कूद कूद के निकल जा रहा है भाई, ये तो गलत लग रहा है मेरे को। अरे यार तुम्हें भी जेट पैक मिला, मैंने कुछ बोला क्या भाई। तू बोलने ओके ठीक है, तूने कुछ नहीं बोला, लेकिन गाइस अगर इस बंदे को एक्चुअली
में देखा जाए तो एकदम इजी आ रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ मास्टर, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हो, क्योंकि सबको बराबर ही मिलता है। अच्छा ठीक है, अभी से जंपिंग शूज गए और थोड़ी सी स्पीड बढ़ी है, अभी देखते हैं कि ये कैसा खेल पाता है गाइस। और मेरे को लग रहा है कि ये शायद ठीक ठाक खेल लेगा। ओ भाई ओके ठीक है खेल तो तू भी ठीक रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझसे अच्छा हो पाएगा। लेकिन गाइस अगर हो गया ना तो सीन ऐसा हो जाएगा कि भाई अपन फिर से हार जाएंगे, और अपने को इतनी ज्यादा हार की आदत है नहीं। अरे यार आदत नहीं है तो आदत डाल लो। ओ भाई जेटपैक, गाइस देखते हैं जेटपैक पे कितने कॉइंस छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। ओ भाई नहीं छोड़ रहा है। अरे भाई गाइस ये तो बिल्कुल अपने जैसा खेल रहा है, थोड़ा सा बेटर, ज्यादा नहीं सिर्फ थोड़ा सा ही बेटर है ना। अरे यार सच बोल दिया तुमने, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अरे भाई गाइस ओके लेट्स सी। ओ भाई गाइस अब एक्चुअली तेज हो गया गेम। ओ भाई और यही वो जगह है जहाँ पे ज्यादातर लोग निपट जाते हैं और आलोक तेजी से खेल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। ओके ओ भाई पहले रोल कर दिया। ओके वन। ओ शिट गाइस का 2 लाख हो गया भाई। अरे यार मैंने बोला था मुझे हराने के ख्वाब छोड़ दो। गाइस कंटिन्यूसली 3 टाइम्स हार रहा हूँ मैं, हैट्रिक मार दिया हारने में। अरे और मैं जीतने में, हाँ मास्टर कोई नहीं, मैंने आपको बेस्ट ऑफ लक नहीं बोला इसीलिए आप हार गए। अरे भाई तू बेस्ट ऑफ लक बोलता है तो इससे भी बुरा हारता हूँ गाइस। इस बार इतने क्लोज थे, पर मेरा 194 था और इसका 200 था। गाइस इतने से हार गया, दुख तो हो रहा है, बट कोई ना अपन फिर से प्रैक्टिस करेंगे यार। लेकिन गाइस अब बहुत हो गया हारना जीतना। आज अपन जाने वाले हैं सबवे सर्फर के स्कूल में, मतलब गाइस वहाँ पे जो टीचर होते हैं ना भाई वो और कोई नहीं जेक होगा, उसके बाद एक आर्ट टीचर इंस्पेक्टर होंगे, उसके बाद ट्रिकी, के बाद स्पाइक एंड बाकी के जितने कैरेक्टर्स हैं। लेकिन गाइस सीन कैसा है ना कि सारे के सारे टीचर हमें कुछ ना कुछ सिखाएंगे, तो गाइस अपन भाई देखते हैं मतलब जेक अपने को हो सकता है सबवे सर्फर पे कुछ सिखाए, या फिर ट्रेन के ऊपर से कैसे कूदना है, या फिर चोरी करके कैसे भागना है फुदक फुदक कर। वो तो देखो सिखाने की जरूरत नहीं है गाइस, मैं खाते पीते रहता हूँ ना, मेरा खाना चुरा के भागता है ये। अरिन भाई ये चुराता थोड़ी है, ये तो उस पे मुंह मार कर जाता है। हाँ भाई गाइस मुंह मारता है ये। चलो कोई ना अपन चलते है स्कूल में। मास्टर तुम आगे आगे चलो, हम पीछे पीछे आते हैं। हाँ पता है क्योंकि गाइस अपन हो चुके हैं लेट। ये देखो आपको बेल की आवाज शायद सुनाई दे रही होगी क्योंकि अपन लेट हो चुके हैं। और गाइस सबसे बड़ी टेंशन की बात ये है कि अपने को जहाँ जाना है ना वहाँ ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। भाई पहले अपन स्कूल में घुसते हैं, भाई एंट्रेंस कहाँ से है? ओ भाई अपन स्कूल में घुस गए हैं। अरिन भाई मुझे ये सोडा पीना है। अरे भाई सोडा मत पी वरना फिर तेरे को क्लास के अंदर बहुत सारी दिक्कतें होंगी। दिक्कत नहीं भैया, ये बम छोड़ेगा बम। अरे भाई कैसा सा बंदा है। गाइस अभी अंदर जाकर देखते हैं कि किसकी क्लास है सबसे पहली वाली। भाई डर सा लग रहा है इंस्पेक्टर की ना निकले बाकी। ओ शिट गाइस इंस्पेक्टर की क्लास है, भाई ये बहुत खतरनाक लगते है मेरे को। ओके मे आई कम इन सर। अरे इतने लेट, क्या रोल नंबर है तुम्हारा? सर 11। ठीक है जहाँ जगह मिले जाके बैठ जाओ। अरे भाई गाइस सर ने कुछ नहीं बोला, अरे ये लोग मेरे लिए तालियां क्यों बजा रहे हैं। थैंक यू गाइस लेट्स सी क्या पढ़ाया जाता है। एक मिनट अपने बाकी के बंदे कहाँ रह गए। चुप देख हमें जितना भी डर लगे अंदर तो जाना पड़ेगा। अरे यार मुझे इंस्पेक्टर से बहुत डर लगता है, मैं ना ही जाऊंगा। अच्छा ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, इंस्पेक्टर सर क्या ही बोलेंगे। मे आई कम इन सर। तुम्हारा क्या रोल नंबर है? मेरा रोल नंबर तो मुझे नहीं पता सर। अरे इसका रोल नंबर 18 है। 18। ठीक है जाके बैठो। अरे वाह अरिन भाई मैं आ गया हूँ। अरे भाई इतना लेट और चौक कहाँ रह गया? निर्मा देखो बात ऐसी है कि अब यहाँ पे हमारे कोई दोस्त ना ही बचे हैं, तो अब हमको भी स्कूल में जाना पड़ेगा। ये देखो ये लोग तो हम डॉगी है करके अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं हमसे। गाइस हमारे साथ भेदभाव हुआ है। लेकिन आप अगर भेदभाव ना ही करते हो तो एक लाइक करो। मैं अंदर जाकर देखता हूँ। इंस्पेक्टर सर मैं अंदर आ गया हूँ। अरे भाई पूछते बताते नहीं है। क्या मैं अंदर आ गया हूँ? आ जाऊँ क्या? अरे ये किसका जंगली डॉगी है, इसे लेकर जाओ। अरे सर मेरा ही डॉगी है, इसे आने दो। अरे मुझे जंगली डॉगी बोल दिया, मैं जंगली कहाँ से लगता हूँ भाई। हाँ तो तू पालतू भी कहीं से नहीं लगता है, ठीक है नहाए धोकर तो थोड़ा सा लगेगा। अरे मेरी नहलाने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है। हाँ मतलब मैं
से तेरे को नहलाता ही, लेकिन तू गंदा हो जाता है। और निर्मा कहाँ रह गई है? हाँ, वो रही निर्मा। अरे भाई ये तो किसी भी नीचे पीछे घुस के आ गई है। व्हाट गाइस, किसी को दिख नहीं रही है लगता है, इतनी छोटी सी जो है। तो छोटी होना क्या गुनाह है? अरे भाई छोटी है मतलब अच्छा है ना, किसी को मतलब दिख नहीं रही है, बढ़िया छुपचाप आ सकती है। बात तो ठीक है। हाँ चल भाई बैठ जाते हैं सब, वरना सर चिल्ला देंगे। और कोई इंस्पेक्टर सर? तो ठीक है, आज मैं सिखाऊंगा कि अगर कोई चोरी करके भागे स्पेशली ट्रेन पे तो उसे कैसे पकड़ते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर सर आप तो आज तक जेक को पकड़ ही नहीं पाए, वो तो अभी भी पटरियों में खुला भाग रहा है। अरे ये किसका डॉगी है, इसे शांत कराओ। अरे भाई चॉप सब तेरे को ही देख रहे हैं, क्या कर रहा है? वैसे चॉप ने बोला तो ठीक, लगता है चॉप तू भाई इसके पूरे पोल पट्टी खोल देगा। इतना थोड़ा सा चुप बैठ जा। लेकिन मैंने तो बस मेरे दिल की बात कही है मास्टर। अरे भाई अपने दिल की बात दिल तक ही रख। तो ठीक है, असली में अगर तुम्हें किसी को भी पकड़ना है तो तुम्हें उसके पीछे भागना पड़ेगा, वरना तुम उसे पकड़ नहीं पाओगे क्योंकि वो तेज भागते हैं। अरे भाई क्या बता रहा है ये भाई, किसी को पकड़ना है तो उसके पीछे भागना ही पड़ेगा, इसमें रॉकेट साइंस क्या है? मतलब गाइस मेरे को लग रहा है शिकास फालतू है, इसलिए मैं उसी का स्किप करके जाते हैं जेक की क्लास में, वो कुछ अच्छा सिखाएगा लग रहा है। मैं भी वही सोच रहा हूँ मास्टर, इसकी क्लास तो बोरिंग है। और फिर भी अगर भागने से तुम उस चोर को ना पकड़ पाओ तो और तेज भागो, हो सकता है तुम पकड़ लो। लेकिन सर अगर चोर भी और तेज भागे तो फिर क्या करना है? अगर चोर और तेज भागे तो तुम और तेज भागो। लेकिन अगर चोर हमसे और तेज भागे तो क्या करेंगे? तो और तेज भागो। अगर और तेज भागे तो क्या होगा? तो फिर तुम यहाँ से भागो। अरे बापरे, मुझे सर ने डांटा, सर ने डांटा। गाइस वैसे भी इनकी क्लास बोरिंग थी, अब हम चलते हैं जेक की क्लास में। अरे भाई गाइस चॉप तो निकल गया, अपन किस बहाने से निकले? एक काम करते, कोई बहाना नहीं, सर जैसे निकलेंगे यहाँ पे एक विंडो, यहाँ से बाहर कूद जाएंगे। हो भाई लगता है सर जा चुके, सबसे पहले विंडो को तोड़ो। ओके लेट्स गो गाइस, बाहर तो अपन आ गए, अब काम करते हैं जेक की क्लास में चलते हैं। हाँ मास्टर, लेकिन जेक की क्लास है कहाँ? भाई नहीं पता किसे पूछते हैं। एक बात बताओ सर कि जेक की क्लास किधर है? ये पीछे जाओ पीछे। अरे भाई पीछे देखो, सुना था। एक मिनट गाइस, लगता है इसके अंदर अपने को शायद जेक की क्लास मिल सकती है। चौप आ रहा है ना तू? आ रहा हूँ। ओ भाई लगता है गाइस यहाँ पे कहीं पे जेक की क्लास होगी। लेकिन मास्टर जेक की क्लास है कहाँ? अरे जेक की क्लास छोड़, तू कहाँ पर है? आपके पीछे। अच्छा यहाँ है क्या? रुक जा भाई, एक काम करते इस अंकल से पूछ के देखते हैं। भाई पुलिस वाले अंकल आप ही बताओ कि जेक की क्लास किधर है? के पीछे है। ओ भाई गाइस लगता है इसके पीछे। 3-2-1 लेट्स गो। ओ ओ ओ वेट एक मिनट गाइस, यहाँ पे बराबर ट्रेन खड़ी है भाई। अब ये रियल ट्रेन है कि ट्रेन की मॉडल नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सीखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको भी अगर इंटरेस्टिंग लगे तो पहले लाइक दबा दो गाइस, क्योंकि कुछ तो तूफानी होने वाला है। मास्टर जो भी हो, लेकिन मैं चलती हुई ट्रेन में कुछ नहीं सीखूंगा। हाँ ठीक है भाई जेक, अब बता अपने को करना क्या है। ठीक है ओके गाइस, ये कुछ तो बोल रहा है। ओ भाई गाइस ये बोल रहा है कि पहले करके दिखाएगा कि क्या करना है, उसके बाद अपन को भी वही करना है। तो ठीक है देखते हैं भाई तू क्या करता है। गाइस लेट्स सी ये क्या करता है। गाइस बढ़िया है भाई, जेक की क्लास में मजा है, मतलब इंस्पेक्टर की क्लास तो काफी बोरिंग थी भाई। ओके अच्छा गाइस, लगते है अपने को ट्रेन पे कैसे चढ़ना है, उससे कैसे कूदना है और कैसे दौड़ना है, डॉज करना है, ये सब सिखाएगा। ओके तो मेरे को ये तो समझ आ रहा है कि ट्रेन पे कैसे कूदना है, लेकिन मेरे को अभी तक जो समझ नहीं आ रहा है वो ये है कि भाई बंदा चलती हुई ट्रेन पे कैसे कूदता है। मतलब भाई वो है रियल आर्ट, मतलब रियल आर्ट क्या गाइस, वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। और गाइस इसने हमें ये बोला है, यहाँ पे सीखने के बाद अपन को सबवे सर्फर भी खेल के देखना है, और ये बोलता है कि तुम अगर एक बार ये सीख लोगे तो फिर सबवे सर्फर खेलना काफी इजी हो जाता है। ओके गाइस तो अभी अपनी बारी है, और मेरे को लग रहा है अपन दौड़ते दौड़ते कहीं पे गिर के लुढ़क ना जाए। मास्टर बेस्ट ऑफ लक। हाँ भाई ठीक है, लेकिन गाइस देखो ये तो इजी है, मुझे डर ये लग रहा है कि अपन इतनी प्रैक्टिस करने के बाद जब सबवे सर्फर खेल ले गए और वहां जाके फिर से एकदम बेकार जैसे लुढ़क गए ना, तो भाई मतलब बेइज्जती हो जाएगी। वैसे ये तो इजी लग रहा है गाइस, मतलब रियल लाइफ पे ट्रेन पे कूदना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि अगर ये चलती हुई ट्रेन होती तो फिर मैं इतने आसानी से तो नहीं बचा रहता। लेकिन गाइस एक्चुअली में ट्रेन काफी बड़ी होती है, आप देख रहे हो। लेकिन कोई ना, अपन अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद एक खतरनाक क्रेजी वाला अपन सबवे सर्फर खेलेंगे। और गाइस आज अपने सबवे सर्फर में सीधा सीधा कॉम्पिटिशन जेक का है। देखो ट्रेनिंग तो हो गई, अब जेक से पूछ कर देखते भाई चले गए सबवे सर्फर में। ओके गाइस तो इसने हाँ बोल दिया, तो अपन अभी सबवे सर्फर में जा रहे हैं। और मुझे मतलब मैं आलोक से कॉम्पिटिशन करता था, अब मैं लिटरली जेक से कॉम्पिटिशन करूंगा, और देखते हैं जेक अपना ही गेम कैसे खेलता है। तो 3-2-1 लेट्स गो। ओके गाइस अपन आ गए सबवे सर्फर में, जो पहली टर्न है ना ये जेक की टर्न है, लेट्स सी कि जेक कैसा खेलता है। वैसे जेक ये बोल रहा है कि वो अपना बेस्ट नहीं देगा, वो मतलब काफी ऐसे नॉर्मल सा खेलेगा, क्योंकि गाइस वो उसको लग रहा है कि अपन उसका स्कोर तोड़ नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हो, अपन नहीं तोड़
पाएंगे। ठीक है, मतलब लेट्स सी कि जेक कैसा खेलता है। और गाइज, अगर जेक इतना ही प्रो प्लेयर है, इतना ही शाणा है, तो एक बात तो कंफर्म है गाइज, इससे एक कॉइन नहीं छूटेगा, एक भी चीज नहीं छूटेगी। और देखते हैं, वैसे तो इसने कुछ तो छोड़ दिया है। हाँ मास्टर, मुझे लगता है तुम इसे बहुत आसानी से नहीं हरा पाओगे। हाँ भाई, मुझे भी यही लगता है। इसमें सरप्राइज वाली क्या बात है, लेकिन ये कुछ तो अलग टाइप का खेल रहा है। मतलब गाइस रुक जाओ। ओके, ओ भाई ये बोल रहा है कि ये जान के मरने वाला है, क्योंकि इसे लग रहा है कि अपन इसका ये वाला स्कोर भी नहीं तोड़ पाएंगे। ओ भाई व्हाट गाइस, ये अपने को काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। इसे बताओ कि अपन काफी प्रो प्लेयर है, ठीक है ना। तो गाइस अब ये बोल रहा है कि ये जानबूझ के मरेगा, क्योंकि ये इतना स्कोर अपन तोड़ देना तो ही बड़ी बात है बोल रहा है। ठीक है भाई, इतना है तो मर जा जानबूझ के। लेट्स सी लेट्स सी। ओ भाई तो जानबूझ के मर गया, मतलब अपने को सिर्फ और सिर्फ इतना स्कोर तोड़ना है। एक मिनट, इसे तोड़ने में क्या है। ओ भाई वेट व्हाट, मास्टर इसने कहा 10 गुना ज्यादा। भाई 10 गुना ज्यादा, मतलब गाइस इसका जो स्कोर था कुछ 14 के आसपास तो था, मतलब 14-15 हजार था, और उसका 10 गुना ज्यादा। गाइस आप समझ रहे हो, 10 गुना ज्यादा। भाई मतलब क्या इधर मजाक चल रहा है क्या। ठीक है अपन अपना बेस्ट देके देखते हैं। मतलब ठीक है भाई, अपना जेक आज के लिए सर है, उसने अपने को सिखाया। एक मिनट, एक ये क्या हो रहा है। अरे 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 भाई, गाइस कुछ तो ग्लिच हो रखा था अभी। ठीक है, लेकिन गाइस ठीक है, अपना जेक सर है, समझ गया मैं, वो पढ़ा रहा है अपने को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो कभी भी रैंडमली टेस्ट ले लेगा, और टेस्ट के रूल अपने हिसाब से कौन सेट करता है। हाँ मास्टर, जिसकी क्लास उसके रूल। हाँ इस हिसाब से तो जिसका घर उसके भी रूल्स होने चाहिए ना। अरे भाई तो तुम हमारे घर में हमारे रूल से तो रहते, मैं तुम्हारे रूल से रहता हूँ। हाँ नहीं बेटे, तो पहले बार बोला ना, असली में तो वैसा चलता है। गाइस अभी तो अपन अपना बेस्ट। ओ भाई वेट 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 वेट, वॉइस ऑफ मिस्ट्री बॉक्स, लेट्स गो। गाइस अब मेरे घर मरने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि आपको पता है मिस्ट्री बटन को, मिस्ट्री बॉक्स को खोलने में कितना मजा आता है। मतलब गाइस मिस्ट्री बॉक्स वन ऑफ द बेस्ट चीज है, क्योंकि गाइस देखो एक तो पहले तो क्यूरियोसिटी रहती है भाई, मिलने क्या वाला है, मिलने क्या वाला है, और फिर अगर कुछ तो बढ़िया मिला तब तो सब सही है, लेकिन अगर कुछ बेकार मिलता है तो गाइस अफसोस होता है, क्योंकि आपको पता है मिस्ट्री बॉक्स से बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें मिलती है। ओ भाई जेट पैक मिल गया, लेट्स सी गाइस कि जेट पैक अपने को कितने दूर तक का स्कोर दे के आता है। भाई मतलब पिछले बार अपने को जेट पैक मिला था, अपने एक भी कॉइन नहीं छोड़ा था, इस बार शायद हमें से एक छूट गया, लेकिन इस बार अपन अपना बेस्ट सेट करने वाले गाइस, बेस्ट स्कोर, ठीक है ना। और गाइस मेरा ये आपसे भी चैलेंज है, देखते कि आप मेरा स्कोर तोड़ पाते हो नहीं। अपन एंड पे देखते हैं कि जो मेरा स्कोर है, क्या आप वाला हाई स्कोर कभी बनाए, और कभी आपने वाला स्कोर तोड़ा है या वो कमेंट में एक बार बताना। बट फिलहाल अभी मैं अपना हाई स्कोर सेट कर लेता हूं। गाइस अपने मतलब मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा जो बनाया ना, वो 2 लाख के आसपास ही बनाया गया है, लेकिन अगर अगर हमने अपना 2 लाख वाला जो प्रीवियस हाई स्कोर है उसे तोड़ तो भाई मैं बता रहा हूँ सीन बदल जाएगा, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। और गाइस सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि अपना जो मतलब अगेंस्ट जो कॉम्पिटिटर है वो जेक है, तो जेक चाहे तो अपने तो ऐसे ही हरा। कोई ना, मिस्ट्री बॉक्स खोल के खुश हो जाते हैं। ओके व्हाट भाई, क्या करूं मैं अब इसका, मेरे कैरेक्टर्स ऑलरेडी खुले हुए हैं, लेकिन कोई ना, लेट्स सी 166 नॉट बैड गाइस, लेकिन फिर भी इंस्पेक्टर से ज्यादा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी इसकी क्लास। और गाइस अगर आपको भी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो एक लाइक करना, और गाइस क्योंकि आज की वीडियो में इतना है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी लोग कमेंट में बताओ आपको और कौन सी वीडियोस देखना है, क्योंकि गाइस मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।